गंगा और यमुना की धारा बहती भूमि पर, जैसे गंगा और यमुना की धारा बहती भूमि पर, जैसे गंगा और यमुना की धारा बहती भूमि पर, वैसे ही बहती है ममता,
ऐसे ही बहती है ममता राधा रानी आपकी। सारी दुनिया है दीवानी राधा रानी आपकी। श्री राधे तन भी तेरा मन भी तेरा मेरा क्या है लाडली। तन भी तेरा मन भी तेरा मेरा क्या है लाडली। तन भी तेरा मन भी तेरा मेरा क्या है लाडली। तेरा तुझको सौंपते हूँ तेरा तुझको सौंपते हूँ ये निशानी आपकी। सारी दुनिया है दीवानी राधा रानी आपकी। सारी दुनिया भर गाती रहूं मैं महिमा श्यामा आपकी। उम्र भर गाती रहूं मैं महिमा श्यामा श्याम की। उम्र भर गाती रहूं मैं महिमा श्यामा आपकी। अपने चरणों में ही रखना अपने चरणों में ही रखना मेहरबानी आपकी। ओ सारी दुनिया है दीवानी राधा रानी आपकी। राधा रानी आपकी श्यामा प्यारी आपकी। राधा रानी आपकी श्यामा प्यारी आपकी। सारी दुनिया है दीवानी राधा रानी आपकी। ओ सारी दुनिया है दीवानी राधा रानी आपकी। दीवानी राधा रानी आपकी।
सारी दुनिया है दीवानी राधा रानी आपकी, सारी दुनिया है दीवानी राधा रानी आपकी, सारी दुनिया है दीवानी राधा रानी राधा रानी आपकी, श्याम प्यारी आपकी, राधा रानी आपकी, श्याम प्यारी आपकी। बोली श्री मां के बिहारी लाल की जय, बोली श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वती कपिशम वैजयंती माला रंध्रान वेणो अघर सुधया पूरयन गोप वृंदई वृंदा से अर्दिम्बराय गुञ्जावतंस परिपेच्छल सन्मुखाय वन्यस्रे कवलवे त्रविशाल जे मृदुपते पशुपाजाय गुरु ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरु साक्षात् पर जय गोपी चित्र
शंकर भगवान की जय, राधा कृष्ण स्वामी की जय, पीतांबरा मैया की जय, राधा रानी की जय, यमुना महारानी की जय, गिरिराज महाराज की जय, जय जय श्री राधे। अकारण करुण करुणा वरुणालय तड़ब निदित पीतांबरधारी भक्त वांक्षा कल्पतरु श्री बालकृष्ण प्रभु के मांगमी प्रतिमूर्ति श्रीमद भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ का आज तृतीय दिवस है। माँ पीतांबरा के पावन चरणारविंद में बैठ कर के ब्रज की रज में ओतप्रोत होकर के पीतांबरा धाम का वार्षिक उत्सव है नवमा, परिपूर्ण नौ का अंक पूर्ण होता है तो परिपूर्ण उत्सव माँ भगवती का प्राकट्य महोत्सव चल रहा है। इसमें आप सब लोग दूर दूर से पधारे हैं, सभी का पीतांबरा धाम ट्रस्ट के द्वारा वंदन अभिनंदन, और कीमती समय निकाल करके ठाकुर की सेवा में आप लोग पहुँचे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आइए तृतीय दिवस को हम प्रारंभ करते हैं, उससे पूर्व दो बार भाव से प्रभु नाम संकीर्तन करें, तदुपरांत भगवत वाणी के द्वारा अमृतमयी कथा का आनंद लें। सब मिलकर के भाव से पुकारेंगे श्री राधे, ताली बजाते हुए। कोई भी वाणी ऐसी न हो जिसमें प्रभु का नाम न हो। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, श्री राधे राधे गोविंद श्री राधे गोविंद राधे, श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद बजाते हुए। गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, श्री राधे राधे राधे
राधे राधे गोविंद गोविंद राधे जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे जय राधे राधे के साथ कल की कथा में आप लोग श्रवण कर रहे थे। प्यारे प्रभु वस्तु के भूखे हैं, भाव के भूखे हैं, वस्तु के नहीं। भाव सैव सम्भ्रात्मा बुधे प्रेमा निगत्यते।
जब भक्त भगवान को भाव से भजता है तो भगवान की प्राप्ति होती है। आप संसार को वस्तु से प्रभावित कर सकते हैं, दुनिया को अपने वश में करना है तो दिखावा कर दीजिए, संसार आपके वश में होगा। लेकिन मेरे गोविंद को दिखाने की जरूरत नहीं है, उनकी तो भाव की जरूरत है। मैंने आपसे कल निवेदन किया था, ठाकुर जी को क्या दे रहे हो इसकी कोई महत्ता नहीं है, कहां से दे रहे हो इसकी विशेषता है। श्रीमद् भगवत गीता जी में तो मेरे गोविंद ने कहा है, पत्रम पुष्पम फलम तोयम् यो मे भक्त्या प्रयो प्रयक्षति। पत्रम पुष्पम फलम तोयम्, पत्र एक वचन, ये नहीं कहा कि मुझे बहुत सारे पत्ते चाहिए। पत्रम पुष्पम, एक पुष्प, फलम फल, और आखिरी में जलम। जलम में ये नहीं लिखा है कि गंगा जलम या यमुना जलम या त्रिवेणी का संगम जलम, नो, जो सुलभता से आप पर उपलब्ध हो वो चढ़ा दीजिए। लेकिन नोट, नोट क्या है, यो मे भक्त्या प्रयक्षति। भक्ति और भाव से चढ़ाओगे तो भगवान कहते मुझे स्वीकार है, और बगैर भाव के तो 56 भोग भी बेकार। चढ़ाते समय हमारा भाव होना चाहिए, दिखावा नहीं, हमने ये किया ना ना। अगर हमारे पास ये होगा कि मैंने ये किया तो फिर तो मैं कर्ता हो जाऊंगा, और कर्ता मैं हूं नहीं। वास्तविकता तो यही है सज्जनों, मेरे गोविंद के मंदिर में बैठो। संसार को बुलाने के लिए तो कहना पड़ेगा चलिए कथा में, लेकिन मंदिर में आओ तो बिहारी जी से मत कहो कि चलिए घर, ना, आवाज नहीं आना चाहिए। आपकी पुकार आप सुने या दूसरा सुनेगा तो लोग तुम्हें नाटकी कहेंगे। संसार है ना ये, अगर आप भगवान से कहोगे, कन्हैया से अगर समाज के आगे वार्तालाप करने की कोशिश करोगे, लोग तुम्हें नाटकी कहेंगे। इसलिए आप जो भी भगवान से कहना सुनना चाहें, एकांत में अपने घर के ठाकुर से खूब जी में आए उतनी बातें करो। और झगड़ा भी कर सकते हो कि आपको आना ही पड़ेगा, लेकिन इस खबर को आप जाने या वास्तविकता है। परमात्मा को हम लोग बुलाते नहीं हैं। कल आपने सुना विदुरानी ने बुलाया, आए, बोलो आए ना। विदुरानी ने खिलाया तो खाए, बताइए। वो आने में देर नहीं करते, खाने में मना नहीं करते, लेकिन कोई खिलाने वाला तो हो। आते हैं भगवान, बुलाने वाला चाहिए। खाते हैं भगवान, खिलाने वाला। वो तो आज भी आने को तैयार हैं, लेकिन आप बुला के तो देखो। अधिकांशतः मंदिरों में मेरे प्रभु का श्री विग्रह खड़ा हुआ है, बैठे नहीं है। हम बैठे तो मन में भाव आता है, ठाकुर जी ने क्या अपराध किया जो खड़े ही रहते हैं। वो खड़े इसलिए रहते हैं, भक्त बुलाएगा तो खड़े होने में देर लगेगी, खड़ा रहूंगा तो दौड़ के। अच्छा भक्त भी पक्का है, प्रभु तुम खड़े क्या रहो, तैयार रथ पे बैठ जाओ, तो भी मैं बुलाने वाला नहीं हूं, बोलो राधे राधे। तो बोले लोग मंदिरों में जाके भगवान से कुछ कहते तो हैं, अब पता नहीं बुलाते ही होंगे। बोले ना ये तो भ्रम है बुलाने का। लोग मंदिर में जाते हैं और ठाकुर जी से कहते हैं, आप तो मंदिर में ही सुशोभित रहते हैं, तो अपनी पड़ोसिन को भेज देना। पड़ोसिन कौन, लक्ष्मी मैया। सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। काम कर देना, स्वस्थ कर देना, तन का कष्ट मिटा देना, और लक्ष्मी जी को भेज देना। भगवान कहते हैं, लक्ष्मी जी इन लोगों को तो आपकी जरूरत है, आप ही जाओ। अरे हमारे अंदर एक भाव बनाए। सज्जनों निवेदन है मेरा, लक्ष्मी जी को मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आप उसको बुलाओ। जब ठाकुर जी आएंगे तो लक्ष्मी जी अकेले कब तक रहेंगे, पीछे तो आएंगे। इसलिए क्यों ना हम ठाकुर जी को ही बुलाएं, लक्ष्मी जी चले आएंगे। विदुरानी ने बुलाए तो मेरे गोविंद दौड़े चले आए।
विदुरानी ने बुलाए तो मेरे गोविंद दौड़े चले आए, और खिलाए तो क्या खिलाया भगवान देखिए, और छिलका खिलाए। विदुर जी ने आके विदुरानी को पकड़ के हिला दिया, अरे ओ भाग्यवान, कितना सुकृत किया, कितना धर्म किया, तब तो ये कन्हैया घर पधारे हो, तुम क्या खिला रही हो, छिलका। तो विदुरानी हाथ में छिलका लेके कहती, ओहो क्या मैं छिलके खिला रही थी। माने प्रेम इसको कहते हैं, पता ही नहीं है। जान के विदुरानी छिलका दे सकती थी क्या, बोलो? और जान के जो किया जाए वो भक्ति नहीं, वो ज्ञान है। और जो अपने आप हो जाए वो ही भक्ति है। बनावटी कोई चीज को प्रवेश करे तो वो ज्ञान है, और जो अपने आप निकले वो भक्ति है। भक्ति में बनावटी नहीं होती, वो तो अपने आप निकलती है। अथवा यूं मान लीजिए, पढ़ लिख करके गाया जाए वो राग है। हमारे केदार शास्त्री जी बड़े सुंदर रागों के माध्यम से सबको जोड़े रखते हैं अपने परिकर के साथ, राग। और जो दिल से अपने आप निकले वो अनुराग। तो मेरे कहने का तात्पर्य, ज्ञान और भक्ति में यही अंतर है। ज्ञान जानकर किया जाता है, और भक्ति अपने आप होती है। बोलो राधे राधे। आप उसके लिए समर्पित हो जाएं, उसके हो जाएं, फिर देखें जीवन का आनंद क्या होता है। एक बार उसके होके देखें, वो खाएंगे छिलके खाए तो फुलके नहीं खाएंगे, सबरी के जूठे बेर खाए। कैसे बेर खाए? मीठे बेर। हम इसको मीठा ही समझे, जूठे नहीं समझे, क्योंकि उसे जूठा सूचे का ज्ञान ही नहीं था। उसे तो इतना पता था मेरे प्यारे को मीठा बेर मिलना चाहिए बस। अब ऐसी कोई मशीन ही नहीं थी जो चेक करके पता कर ले, तो उसने कहा चक चक के रख लेती। लक्ष्मण जी ने को तो देखा, ये तो झूठे हैं राघव, झूठे हैं। राम जी ने कहा हां लक्ष्मण बड़े मीठे हैं। लक्ष्मण बोले भैया झूठे हैं, हां लक्ष्मण बहुत मीठे हैं। हे भगवान खा लो। राम जी ने कहा लक्ष्मण बहुत मीठे, एक आप भी ले लो ना। लक्ष्मण बोले नहीं नहीं मेरा तो पेट भरा है। नहीं एक तो लेना पड़ेगा। देखो प्रेम का प्रसाद लक्ष्मण के जब हाथ तक आया तो दो शक्तियां बैठ गई उस फल में। देखिए पहली तो सबरी की प्रेम की शक्ति, और जब राम ने उठा लिया तो अब उसमें राम की कृपा की शक्ति भर गई। तो भक्ति और भगवान दोनों की शक्ति किसमें आ गई? कौन से बेर में? झूठे बेर में। बोलो राधे राधे। भक्ति और भगवान दोनों विराजमान हो गए उस फल में, और लक्ष्मण जी को दे दिया लो ज्ञानी जी, क्योंकि उन्हें ज्ञान था ना झूठे सूचे का। किसको ज्ञान था? लक्ष्मण जी को ज्ञान था। तो राम जी ने कहा लो ज्ञानी जी, इसमें दो चीज विराजमान है, भक्ति और भगवान की कृपा, और ज्ञानी लक्ष्मण को दिए। बोले इसको खा लो तो तुम्हें भी वही भाव जाग जाएगा। लक्ष्मण जी तो ज्ञानी थे, जिसको पता हो किसी की झूठी चीज है वो क्यों खाएगा। पता जब ही होगा जब समझ होगी, जब समझ ही नहीं, समझ माने ज्ञान, और समझ ही नहीं होगी तो फिर क्या पता होगा। लक्ष्मण जी ने वो फल नहीं खाए, सिर झुका के पीछे को फेंक दिए। ऐसा लेख मिलता है कल्याण। अब इसके तीन कारण है सज्जनों, प्यार से बोलो राधे राधे। एक कारण तो ये है कि लक्ष्मण जी खा ही नहीं सकते थे, क्योंकि उनका संकल्प था 14 साल तक न खाऊंगा न सोऊंगा, तो फिर इसको कैसे खाते। तो बोले अन्य दिनों भी तो इनको प्रसाद मिलता था, राम जी तो रोज प्रसाद देते थे लक्ष्मण को, तो अन्य दिन राम लक्ष्मण उस प्रसाद को फेंकते थे क्या? हाँ। बोले ये बात तो समझना पड़ेगा, लक्ष्मण जी और दिन प्रसाद नहीं फेंकते थे। तो क्या करते थे? खाना है नहीं है, फेंकना है नहीं है, इतना बड़ा थैला थोड़ी है, एक दो दिन का प्रसाद हो जो रख लें, 13-14 साल का प्रसाद कहाँ रखेंगे। तो लक्ष्मण जी मालूम क्या करते थे, आपको बता दूं, प्रसाद के प्रति सम्मान, केवल भगवान का प्रसाद था। तो फल कुटिया के पीछे ले जाते और फलों से कहते, फलो मैं राम की सेवा में तत्पर हूं, नहीं खाने का संकल्प लिया है लेकिन प्रसाद का त्याग भी नहीं कर सकता हूं, आपसे मेरा एक निवेदन है,
यहां से उड़ के जाऊं और मेरी उर्मिला के महल में रख जाना, 14 साल के बाद में इनका भोग लगाऊं। सज्जनों, भक्ति की वो शक्ति दोना उड़ के जाता और उर्मिला के महल में रख जाता। 14 वर्ष के दोना उड़े इकट्ठे वहां जाते थे तो इन फलों को क्यों नहीं उड़ाया? तो लक्ष्मण जी ने यहां थोड़े ज्ञान ने गड़बड़ कर दिया। जब हमारे भक्ति में ज्ञान का प्रवेश होता है तो उथल पुथल करता है, और ज्ञान में भक्ति का प्रवेश होता है तो शांत हो जाता है ज्ञान। बोलो राधे राधे। भक्ति में ज्ञान आएगा तो भक्ति को हिलाएगा, और ज्ञान में भक्ति आएगी तो ज्ञान सज जाएगा। उद्धव जी ज्ञानी थे, वृंदावन आए, भक्ति मिल गई तो फिर क्या होगा? पहले ब्रजवासियों को पागल गमार कह रहे थे, फिर उन ब्रजवासियों के चरणों की रज में लौट गए क्योंकि भक्ति मिल गई। तो ज्ञान में भक्ति का समावेश होना उत्तम नहीं, सर्वोत्तम। और कोई भक्त बन चुका है तो पर तड़फाए नहीं कि हमें तो ज्ञानी बनना है। ना ना ना, क्या जरूरत है तुझे ज्ञानी बनने की, तू भक्त तो है। अरे अपने आप के पद को तू कमजोर मत समझ, भक्ति का पद तो बहुत कठिन है। भक्ति की जरूरत ज्ञानियों को भी पड़ती है और भक्तों को ज्ञान की जरूरत नहीं पड़ती। बोलो राधे राधे। कितने भी भक्तों का आप इतिहास उठा करके देख लीजिए। भगवान जब बेर खा सकते हैं जूठे, ऐसा लेख मिलता है, उस प्रसाद का जब लक्ष्मण ने परित्याग किया, वही बेर का प्रसाद जब लक्ष्मण ने फेंके तो वो संजीवनी बूटी बन करके पहाड़ पर पैदा हो गया। जब लक्ष्मण को शक्ति लगी, प्राणों की आन पड़ी, तब बोले इसको जीवन दान कौन दे सकता है? बोले अकेले भगवान तो रो रहे थे, वो दे ही नहीं पा रहे थे। बोलो राधे राधे। राम जी तो वहीं थे ना लक्ष्मण के पास। भाव का विषय मैं आपको बता रहा हूं, राम जी चाहते तो लक्ष्मण को जीवित कर सकते थे, क्या जरूरत थी जड़ी बूटी की। लेकिन राम ये बताना चाहते हैं कि मेरा भी प्रभाव तभी पड़ता है जब भक्त का प्रभाव साथ में होता है। तुरंत प्रभु ने लक्ष्मण हनुमान जी को भेजा, उस जड़ी को मंगाया जिसमें भक्त और भगवान दोनों समाहित हैं। तो बोले तुम केवल भगवान की पूजा करके कल्याण नहीं पा पाओगे, शिक्षा ले लो, भक्त का भी सम्मान करना पड़ेगा, भक्त की स्थिति को भी देखना पड़ेगा। उस जड़ी से लक्ष्मण के प्राण बचे। विषय हमारा है, खाते हैं भगवान, आते हैं भगवान बुलाने वाला। अरे आप भगवान को कभी भी किसी भी स्थिति में बुला लीजिए। संसार को तो सुख के समय बुलाएंगे, दुनिया वाले दौड़े चले आएंगे, लेकिन जब संकट की घड़ी आएगी तो समाज वाले आपका नंबर ब्लैक लिस्ट में डाल देंगे। नहीं डाल पाते हैं तो आप जब कॉल करेंगे उस समय वो हलो हलो करके रख देंगे, हमें पता नहीं है, कुछ नहीं पता है। इसलिए सज्जनों, मेरा आपसे निवेदन है, संसार, समाज, परिवार आपका बहिष्कार कर सकता है, लेकिन जब दुनिया वाले तुम्हें ठुकरा दें तो मेरे गोविंद को पुकारो। जब कोई नहीं आएगा उस समय मेरे परमात्मा दौड़े चले। भगवान तो इंतजार करते हैं, रक्षाम पेक्षाम अपेक्षते। भगवान इंतजार करते हैं कि भक्त मुझसे कुछ रक्षा मांगे, लेकिन भक्त ही पक्का है। पहले समाज को ही टटोलता है, परिवार को टटोलता है, धन की शक्ति दिखाता है, बल की शक्ति दिखाता है, जब सब कुछ हार जाता है तो। अरे कोई भी विषय ले लो, द्रौपदी भरे दरबार में, दुष्ट दुष्टासन साड़ी खींचने को तैयार, अब कोई रक्षक ही नहीं है। पांचों पतियों से प्रार्थना करी, देखो। वैसे तो एक पति का धर्म है पत्नी की इच्छा रक्षा करना, लेकिन एक के पांच पांच पति और पांचों एक से एक महान, कमजोर कोई नहीं। पांचों पति बैठे, पितामह भीष्म बैठे, पूरा परिवार बैठा, पूरा समाज बैठा, विद्वान संत महंत मुनि जन सब बैठे, कोई नहीं बचा पाया। पर द्रौपदी तो भगवान से बहुत प्रेम करती थी, तो इधर उधर भटक क्यों रही थी? बोली यही तो समस्या है भक्तों की, पहले दर दर भटकते हैं, जब सारे दरों से ठोकर मिल जाती है तो फिर तेरे दर आते हैं। भगवान के दर पहले ही आ जाते तो भटकना ही नहीं पड़ता। तो द्रौपदी ने भी आखिरी में श्री कृष्ण द्वारिका वासिन देव देव जगत
कौरवेन्द्र परिभूता किं न पश्यसि केश। कौरवों के दलदल में मेरी क्या हालात हो रही है गोविंद, दिखाई नहीं देता। तो द्रौपदी ने आखिरी में पुकारा, कितने लोगों को देखा है सब आखिरी में प्रभु के शरण लेते, अगर पहले से ले लें तो कम से कम कहीं समय अच्छा आ जाए तो समाज आपको कह तो ना सके तुम तो आए तो हमारे पास थे। बोलो राधे राधे। इसलिए बड़े भाव से पुकारना है तो बुलाना है तो किसको बुलाना है। और देखिए वो सुख के समय तो आते हैं लेकिन दुख में बहुत ज्यादा काम आते हैं, इसलिए बुलाओ सब मिलकर के मेरे गोविंद को, हमेशा साथ देते हैं। जब कोई नहीं आता मेरे श्याम आते हैं, जब कोई नहीं आता जय हो श्याम आते हैं, मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं, मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। जब कोई नहीं आता मेरे श्याम आते हैं, जब कोई नहीं आता तो मेरे श्याम आते हैं। राधे हाथ उठा के पुकारिए। मेरी नैया चलती है पतवार नहीं होती, 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 मुझे और चीज की अब दरकार नहीं होती, मुझे और चीज की अब दरकार नहीं होती, मैं डरता नहीं रास्ते सुनसान आते मैं डर चले हर काम आते जब कोई नहीं आता तो मेरे शाम आते, जब कोई नहीं आता करे उनको दुख हल्का हो जाए, कोई याद करे उनको दुख बड़े याद करो हल्का हो जाए, कोई याद करे उनको दुख हल्का हो जाए, कोई याद करे उनको दुख हल्का हो जाए, कोई बात करे उनकी वो उनका हो जाए, कोई बात करे उनकी वो उनका हो जाए, ये बिन बोले सब कुछ, ये बिन बोले सब कुछ पहचान जाते हैं, ये बिन बोले सब कुछ पहचान जाते हैं, मेरे
कभी कोई नहीं आता मेरे श्याम आते हैं। हरि बोल। इतने बड़े हो कर दीनों से प्यार करे, वो इतने बड़े हो कर दीनों से प्यार करे, वो इतने बड़े हो कर दीनों से प्यार करे, वो इतने बड़े हो कर दीनों से प्यार करे, को स्वीकार करे, सबके पद में बोलो सबको स्वीकार करे, सभी भक्तों का कहना, सब भक्तों का कहना वो मान जाते हैं, सब भक्तों का कहना वो मान जाते हैं, जब कोई नहीं आता मेरे श्याम आते हैं, जब कोई नहीं आता तो मेरे श्याम आते हैं, मेरे दुख दिनों में वो बड़े काम आते हैं, मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं, जब कोई नहीं आता मेरे श्याम आते हैं, ओ जब कोई नहीं आता मेरे श्याम, दौड़े चले जाते, रक्षाम पेक्षाम अपेक्षते। आप उनको एक बार बड़े भाव से पुकार कर के देखिए, उनको बुला करके तो देखिए, जैसे ही आप बुलाएंगे मेरे गोविंद दौड़े चले आएंगे। विदुरानी ने बुलाया, ठाकुर जी चले आए और छिलके का भोग लगाया, देखिए आप। और जब विदुर जी ने माखन मिश्री का लड्डू दिया, प्रसंग वही है, कल से अपने आप को उस तारे से जोड़े रखना है, इधर उधर हटना नहीं है, घूम ले ले लेना, लेकिन घूम के आना वही है, तार की जो लड़ी है उस कड़ी से एक क्षण भी अलग नहीं जाना। महाराज माखन मिश्री का लड्डू दिया और कन्हैया से पूछा, लाला कैसा स्वाद आया? कन्हैया बोले, काकी जी, काका जी बुरा मत मानना, जो स्वाद छिलके में आया वो लड्डू में। तो आप, ये क्या है, छिलका स्वादिष्ट होता है क्या? नहीं, वो छिलके में भाव था और लड्डू में व्यवहार था, क्योंकि विदुरानी ने छिलका नहीं खिलाया, विदुरानी ने तो केला ही खिलाया था, पर भाव में गलती हो गई। उस गलती को भगवान ध्यान देते नहीं है, भगवान तो कहते हैं असनामी प्रेतात्मना, तू एक बार मेरा होकर के मेरे चरणों में समर्पण करके तो देख, फिर तेरी सारी समस्याएं समाधान हो जाएगी। महाराज कन्हैया विदुर जी के यहां से हस्तनापुर में पहुंचे और हस्तनापुर में तो समाज इकट्ठा था ही। दुर्योधन से कहा, दुर्योधन हमने तुम्हें बहुत सोचने का मौका दे दिया, अब बताओ पांडवों का इंद्रप्रस्थ वापस करोगे कि नहीं? यहां एक शिक्षा की बात मैं आपको बता दूं, लोग कहते हैं श्री कृष्ण ने महाभारत कराया, देखो भगवान कृष्ण ने कराया ये तो पक्का है, बगैर उसकी मर्जी के कुछ होता नहीं है, पर समाज के लिए ये नहीं दिखाया कि कृष्ण ने कराया, समाज सुधारने के लिए उन्होंने पूरा प्रयत्न किया, महाभारत टल जाए, पूरी रात सोचने का मौका दिया दुर्योधन को, हो सकता है रात भर में बुद्धि
बदल जाए और सुबह कह दें चलो कोई बात नहीं, आखिर भाई तो मेरे ही हैं, तू भी रह ले भाई हम भी रह रहे हैं। लेकिन नहीं, स्पष्ट मना कर दिया दुर्योधन ने, युद्ध ही एक रास्ता है, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं। तब भगवान ने कहा जब निश्चित है तो मैं भी नहीं टाल सकता, युद्ध ही होगा। भगवान कृष्ण लौट के आए, विदुर जी घबराए, अगर महाभारत हुआ तो मेरा क्या होगा? जब बच्चों में झगड़ा होता है तो सबसे बड़ी समस्या घर के बड़ों की आती है, सबसे बड़ी समस्या घर के बड़ों की आती है कि अब हम क्या करें, बच्चे मान नहीं रहे हैं, अब करें क्या, अब बड़ा कौन है? हस्तिनापुर में बड़े धृतराष्ट्र जी हैं, तो वो तो अंधे हैं, लोग कह देंगे उन्हें तो दिखता ही नहीं था बेचारे, कर क्या पाते। दूसरे बड़े पांडु जी थे, पांडवों के पिताजी, वो मर चुके। अब तीसरे बड़े विदुर जी बचे, तीसरे बड़े विदुर जी बचे। विदुर महामंत्री थे लेकिन थे पांडवों के चाचा जी, दासी पुत्र थे, इसलिए वो मंत्रालय महामंत्री का पद मिला, अन्यथा अधिकारी वो ही थे, क्योंकि तीनों के पिताजी एक ही थे। बोलो राधे राधे। विदुर जी ने कहा चलो लड़ना मैं चाहता नहीं हूं, और लड़ाई देखूंगा तो जवाब क्या दूंगा। तो विदुर जी ने एक ही रास्ता निकाली, अपना बैग लगाया और तीर्थ यात्रा करने चले गए, ना रहूंगा ना देखूंगा। और जितने दिन यात्रा पर है उतने दिन कोई संबंध हस्तिनापुर से नहीं रखा। पूरी यात्रा करके लौटे तब तक महाभारत पूर्ण हो गया, और जब महाभारत पूरा हो गया, महाराज विदुर जी को पता पड़ा, दौड़े दौड़े कन्हैया के पास गए, प्यारे श्याम सुंदर आपकी कृपा से पांडवों को विजय प्राप्त हुई है, लेकिन जब तक विदुर जी लौटते तब तक हमारे श्री कृष्ण लीला पूर्ण करके स्वधाम चले गए थे। विदुर जी रोते रोते उद्धव जी के पास आए और उद्धव जी से कहा, उद्धव मैं कितना बड़ा दुर्भागी हूं कि श्री कृष्ण का दर्शन भी नहीं कर सका। उद्धव जी ने कहा तुम दुर्भागी नहीं हो, तुम भाग्यशाली हो। जब हमारे प्यारे अपनी लीला को पूर्ण करके स्वधाम जा रहे थे, उस समय मैत्रेय ऋषि से कहा था भगवान ने तुम्हें याद किया था। बोलो राधे राधे। और जब ये सुना कि विदुर ने, कि प्रभु ने मुझे याद किया, अंदर ही अंदर खुश हो गए। प्रभु मिले नहीं मिले लेकिन उनकी याद में तो हम थे। और मैत्रेय ऋषि से कहा भी भगवान ने कि मेरी सबसे ज्यादा दुख होने वाला विदुर को जाने का, इसलिए विदुर को मैत्रेय ऋषि तुम मेरी कथा सुना देना, जिस कथा को सुन के उसे मेरे मिलन का आभास होगा तो थोड़ा दर्द हल्का होगा। विदुर जी तो दौड़े दौड़े दवा लेने चले गए, दवा माने कथा सुनने, क्योंकि उनको दर्द है श्री कृष्ण का, और श्री कृष्ण का दर्द कथा से ही मिट सकता है। तो सीधे हरिद्वार में मैत्रेय ऋषि के आश्रम पर पहुंचे, और यहां से विदुर मैत्रेय ऋषि संवाद प्रारंभ होता है। विषय की प्रामाणिकता बताने के लिए यह बताना परमावश्यक है, इस समय चार चार जगह कथा चल रही है, यह विषय की प्रामाणिकता है। महाराज सुखदेव जी परीक्षित को सुना रहे हैं, सूत जी सोनकादि महात्माओं को सुना रहे हैं, और सनत कुमार नारद जी को सुना रहे हैं, और वही कथा मैत्रेय ऋषि विदुर को सुना रहे हैं, और गुरुदेव की कृपा से वही कथा मैं। बोलो राधे राधे। ये विषय की प्रामाणिकता है। आज मैत्रेय ऋषि से विदुर जी ने प्रश्न किए, संसार की सृष्टि कैसे होती है? मैत्रेय ऋषि ने कहा विदुर एको हम बहु श्याम। एक ब्रह्म जब बहुत बनना चाहता है तो सृष्टि का विचार करता है, नारायण की नाभि में से कमल उत्पन्न होता है, कमल में से ब्रह्मा जन्म लेते हैं, ब्रह्मा चारों तरफ देखते हैं तो चार मुख प्रकट हो जाते हैं, ब्रह्मा जी सोचते हैं मुझे जन्मदाता कौन है, तो उन्हें एक शब्द सुनाई देता है, तप षोडश मेक विंसा सोलमा और इक्कीसवा। ब्रह्मा जी तपस्या करने बैठ जाते हैं तो भगवान नारायण प्रकट हो जाते हैं, ब्रह्मा जी कहते हैं प्रभु मेरा विधाता कौन, ठाकुर जी कहते हैं हम हैं, तो आज्ञा करें, बोले सृष्टि करो।
ब्रह्मा जी ने कई प्रकार की सृष्टि करी, अंडज, उद्भिज, जरायुज, स्वेदज इत्यादि। अलौकिक सृष्टि जो करी है वो ब्रह्मा जी ने मानविक सृष्टि की है। अपने शरीर में से मनु और शत्रुपा जी को जन्म दिया, यहां से मानविक सृष्टि प्रारंभ होती है, जिस सृष्टि में हम और आप आते हैं। ध्यान सुनना आप लोग, कथाएं तो सब स्पर्श करनी पड़ती है, लेकिन कोई संक्षेप में कोई विस्तार। मनोस्तु सतरूपाया तिस्रः कन्याश्च जगे आकूति देवहूति च प्रसूति ऋतवेषुता। मनु जी महाराज ने मानविक सृष्टि प्रारंभ कर दी। शत्रुपा जी के द्वारा मनु के यहाँ तीन बेटियों का जन्म हुआ, आकुति, देवहूति और प्रसूति। दो बेटा हो गए प्रियव्रत और उत्तानपाद। रामचरितमानस में भी लिखा है मनु जी से सृष्टि प्रारंभ हुई है। उस समय तो कोई जाति का पता ही नहीं था, वर्ण का पता ही नहीं था, ये सारी व्यवस्थाएं बनाई है। स्वयंभू मनु और शत्रुपा, स्वयंभू मनु और शत्रुपा, स्वयंभू मनु और शत्रुपा, स्वयंभू मनु और शत्रुपा। इनसे भई जिनसे स्वयंभू मनु और शत्रुपा जी के द्वारा मानविक सृष्टि प्रारंभ हुई। मनु जी के यहाँ तीन बेटियां हुई, सबसे पहले आकुति, देवहूति और प्रसूति। सुखदेव जी ने तीनों बेटियों की चर्चा बड़े विस्तार से करी। आकुति का विवाह रुचि ऋषि के साथ हुआ, देवहूति का विवाह करदम ऋषि के साथ हुआ, और सबसे छोटी बेटी प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति के साथ हुआ। आकुति का विवाह रुचि ऋषि के साथ हुआ, यज्ञ और दक्षिणा के रूप में संतान उत्पन्न हुई, और देवहूति का विवाह करदम ऋषि के साथ हुआ। अब यहां थोड़ा सा प्रश्न उठता है, हमने सुना था करदम ऋषि तो ब्रह्मचारी थे, करदम ऋषि तो ब्रह्मचारी थे, विवाह कैसे हो गया? बोले ब्रह्मचारी भी दो प्रकार का होता है, एक नैष्टिक ब्रह्मचारी और दूसरा उपकुर्वाण ब्रह्मचारी। नैष्टिक ब्रह्मचारी वो होता है जो जन्म से मृत्यु तक ब्रह्मचर्य का पालन करता है, वो नैष्टिक ब्रह्मचारी। और दूसरा होता है उपकुर्वाण ब्रह्मचारी, जो जन्म से 25 वर्ष तक ब्रह्मचर्य का पालन करे और 25 के बाद में वो गृहस्थी बन जाए। तो करदम ऋषि उपकुर्वाण ब्रह्मचारी थे, ब्रह्मा जी की छाया से उत्पन्न हुए थे। ध्यान सुनना आप लोग, करदम ऋषि ब्रह्मा जी की छाया से उत्पन्न हुए थे, और ब्रह्मा जी ने आज्ञा दी शादी करो, तो बोले करा दो शादी। तो ब्रह्मा जी ने कहा शादी ऐसे थोड़ी ना होती है, तो पहले शादी के लिए तपस्या करो। सज्जनों ध्यान से सुनना, पहले शादियों के लिए तपस्या करनी पड़ती थी और संतान के लिए यज्ञ करने पड़ते। तपस्या के बाद जो शादी होती थी गृहस्थी में सुख शांति होती थी, और यज्ञ के बाद अनुष्ठान के बाद कथा कीर्तन के बाद जो संतान उत्पन्न होती थी वो धर्मनिष्ठ होती थी। अब तो नहीं हो तब कराते हैं यज्ञ, पूर्व में नहीं। जबकि शास्त्र कहता है अगर बालक गर्भ में आ गया उस समय से आप धर्म पूजा पाठ कीर्तन ये सब सुनना शुरू कर दो, उस बच्चे पर बहुत प्रभाव पड़ेगा। लेकिन बालक गर्भ में आया तब से मूवी और ज्यादा देखने लगे, बोलो राधे राधे, मार काट की पिक्चर देख रहे तो वैसे ही बच्चे हो रहे। इसलिए सज्जनों सावधान, दोनों के साधन इसलिए नहीं यज्ञ करते थे कि संतान हो नहीं रही, इसलिए यज्ञ करते थे जो हो वो अच्छी हो। विवाह नहीं हो रहा इसलिए तपस्या कर रहे हैं? नहीं, तपस्या इसलिए कर रहे हैं जिससे हो वो अच्छा जोड़ी मिले, बोलो राधे राधे।
कर्दम ऋषि ने तप किया। ब्रह्मा जी ने कहा कोई ना कोई आएगा एक दो दिन में और वो तुम्हारा रिश्ता करके चला जाए। महाराज नारायण जी से तपस्या वरदान मांगा था तो मनु जी अपनी बेटी का रिश्ता लेकर के आए। कर्दम ऋषि तो महात्मा थे ही, भजन में बैठे थे। मनु जी ने कहा महाराज आपका प्रताप, आपका भजन, आपकी तपस्या से पूरा वन चमक रहा है। यहाँ का वाइब्रेशन इतना आनंददायी हो गया कि मनु जी कहते मेरा भी दिल तप करने को कर रहा है। कर्दम ऋषि शांत बैठे हैं, मानो शर्म में बैठे हों, संकुचित बैठे हों। मनु जी ने कहा आप महान हैं। कर्दम ऋषि बोले आप कहना क्या चाहते हैं? बोले साहब जब से मेरी बेटी ने आपको देखा है तब से आपसे विवाह करने का निश्चित किया है, आप हाँ करें तो मैं अपनी बेटी का विवाह आपके साथ कर दूं। कर्दम ऋषि बोले नहीं नहीं नहीं, ऐसी कोई हमारे अंदर विशेषता नहीं है, तुम अपनी बेटी का विवाह हमसे क्यों करना चाहते हो? खुले आसमान में तो रह रहे हैं, अपना ना घर है ना मकान है ना दुकान है, क्या करेंगे आप अपनी बेटी का विवाह करके? महाराज आपके चरणों में बैठ के जैसे आप तप कर रहे हैं वो भी तप करती रहेगी, आप आज्ञा तो करिए। कर्दम ऋषि ने कहा चलो मेरी वैसे तो शादी की इच्छा है नहीं, जैसे आज बच्चों से कहो ना शादी करना है तो बच्चे क्या कहेंगे? हर बच्चा एक ही जवाब देता है अजी बस शादी की बात मत करो, बच्चियों से शादी की बात करो, इसके अलावा आप लोगों को कोई बात नहीं आती, शादी की चर्चा करते रहते। और ये पक्का है कि ये ऊपर से ना कर रहे हैं। बोलो राधे राधे, शादी सबको करनी है, प्यार से बोलो राधे 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 राधे। तो मनु जी ने जब कर्दम ऋषि से कहा आप कर लीजिए ना अपनी शादी, कर्दम ऋषि ने तो व्यवहारिकता में कहा नहीं जी नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मेरा मूड नहीं है। तो मनु जी ने कहा नहीं है मूड तो मैं निकलता हूँ। कर्दम ऋषि बोले नहीं नहीं वैसे तो मूड नहीं है लेकिन आप आशा लेके आए तो मैं आपकी बात को ठुकरा भी तो नहीं सकता हूँ। बोलो राधे राधे, आपकी बात का मैं कैसे अवहेलना कर सकता हूँ? तुरंत मनु जी ने अपनी बेटी देवभूति का विवाह कर्दम ऋषि से कर दिया और मनु जी चले गए। इस प्रसंग पर थोड़ा सा हम ध्यान दें। हम देवभूति जी ने कर्दम ऋषि से पूछा महाराज कहाँ है महल, शादी तो कर ली बताओ ना महल। कर्दम ऋषि बोले महल तो अरे पूछो झोंपड़ी कहाँ है। अच्छा बाबा झोंपड़ी बता दो। आओ अपनी कुटिया में ले गए और कुटिया में देखा क्या, एक कोने में चूहाओं के बिल बने थे। देवूती जी बोली स्वामी हाँ ये क्या है? बोले चूहाओं का घर है। दूसरी तरफ देखे तो एक कोने में पक्षियों के घोंसले बने थे, ये क्या है? बोले पक्षियों का घर है। तीसरी तरफ देखा तो महाराज चींटियों का झुंड था, ये क्या है? बोले चींटियों का घर है। देवूती जी आंखों में आंसू भर के बोले स्वामी इस कुटिया में तो कईयों के घर बता दिए, आपका घर कहाँ है? महात्मा ने कहा देवी ये आसन पड़ा है ना ये मेरा घर है और आज से आधा आसन तुम्हारा हो गया। देवूती जी तो अपने आप में अपने भाग्य की सराहना करने लगी, क्या त्यागी महापुरुष मिला। और ये कड़वा सच है, चाहे आप कितने बीघे में कितने कनाल में कोठियां बना लो लेकिन आपकी रहने की जगह तो 3.5 हाथ में सो जाओगे, 2 फुट जगह में बैठ जाओगे। और वो जो 3.5 हाथ जगह आपकी घर में है ना, आपके बच्चे उस घर में आपको देने वाले नहीं है, वो भी हमें सार्वजनिक जगह पर जाना पड़ेगा। प्यार से बोलो राधे राधे। सोचिए आप थोड़ा सा विचार करिए फिर मेरा क्या है, कहां व्यक्ति अंधकार में पड़ा है। सज्जनों देवूती जी स्नान करके रसोई घर में, स्वामी जी रसोई तो बता दो वो भी किसी और की है क्या? कर्दम ऋषि ने कहा नहीं रसोई तो अलग है क्योंकि भगवान का भोग बनता है। देवूती जी बोले मैं स्नान करके भोग बनाती हूँ। देवूती जी भोग बनाने चले गए, कर्दम ऋषि स्नान करके भजन करने बैठ गए और ऐसे बैठे भैया बाबा की तो समाधि लग गई। सोच सकते हैं आप शादी के तुरंत बाद समाधि, आश्चर्य, इसे कहते हैं संयमित जीवन। बोलो राधे राधे। देवूती जी ने आकर के कर्दम ऋषि को देखा तो बाबा को आवाज लगाई नहीं सुना, भोजन बन चुका है भोग लगाइए पाइए। कर्दम ऋषि नहीं हिले, देवूती जी समझ गई अब मैं इनके भजन में विघ्न नहीं डालूंगी, जबरदस्ती लड़ाई झगड़े नहीं करूंगी। एक माला हाथ में देवूती ने ले ली और वो भी चरणों में बैठ गई।
कई हजार वर्षों तक न करदम ने कुछ खाया न देवूति ने खाया, और कई हजार वर्ष के बाद समाधि खुली, आश्रम में एक स्त्री को देखा तो आश्चर्य में पड़के कहा, देवी आपका परिचय? सोचो देवूति के दिल पे क्या बीती होगी। देवी आपका परिचय? देवूति जी बोली, स्वामी याद करो, बहुत पहले आपके साथ मेरे पिताजी मेरी शादी करके गए। क्या तुम देवूति हो? हाँ हाँ मैं ही देवूति हूं, लेकिन वो तो राजकन्या थी, मैंने उसको देखा था बड़ी सुंदर थी। स्वामी इतने वर्ष तक जब आपने कुछ खाया नहीं तो मैंने भी खाना पीना छोड़ दिया, माला लेके जपती रहती तो शरीर तो सूख ही जाएगा, हूं मैं देवूति? करदम ऋषि बोले, देवी ये तो मैंने तुम्हारा अपराध किया है, शादी करके मैं ध्यान में चला गया। नहीं नहीं मैं तुम्हारी तपस्या से बड़ा प्रभावित हूं, इन्होंने एक सरोवर में अपने भजन के तपोबल से देवूति को स्नान कराया, देवूति जितने सौंदर्य पूर्ण हो गई जैसे मानो अभी महल से आई हो। करदम ऋषि की देवूति ने खूब सेवा करी। अच्छा करदम ऋषि ने शादी के समय एक शर्त और रख ली थी। क्या? शादी के समय करदम ऋषि ने शर्त रखी थी मनुजी से कि मैं आपकी बेटी से शादी तो कर लूंगा, लेकिन एक शर्त है। क्या? एक संतान के बाद फिर बाबा जी बन जाऊंगा, एक संतान के बाद बाबा जी बन जाऊंगा। देवूति ने कहा ठीक है। तो महाराज जैसे ही पुनः समाधि से जागे और कामग नाम का विमान बनाया, कहा देवूति जितना मैंने तुम्हें दुख और कष्ट दिया है अब मैं तुम्हें सारी यात्राएं कराऊंगा। मन की कामनाओं से विमान चलता था ना, पेट्रोल ड्राइवर की जरूरत नहीं थी। इच्छा हुई हरिद्वार, विमान उड़ के हरिद्वार, इच्छा हुई इलाहाबाद, विमान उड़ के इलाहाबाद, जहां जहां इच्छा कामना हुई विमान चला गया। और घूमते घूमते बाबा जी अपने वचन को भूल गए। घूमने घूमने में उनके 9 बेटियां पैदा हो गई। कितनी बेटियां? जोर से बोलो। आप तो ऐसे घबरा रहे मानो आप कहीं हो गई हूं। लोग बेटियों से बहुत डरते हैं ना। 9 बेटियों ने जन्म ले लिया। महाराज आजकल तो बेटियां हो जाए तो बोलो राधे राधे, राधे राधे, लोग खबर भी नहीं करते। क्यों शर्मा जी, छोरी भाई तो बताई भी ना है तुमने। बोलो राधे राधे, राधे राधे। वो छोरा होता तो मेरे कहने का तात्पर्य एक बेटी नहीं, मैं तो कहता हूं ऐसे भगवान सबको 9 बेटियां दे, क्योंकि 9 बेटियां होंगी तभी तो भगवान बेटा बन के आएंगे। बेटी होना तो बहुत आवश्यक। जीवन में बेटी होना परम आवश्यक। आजकल एक परंपरा चली है, एक बेटा एक बेटी बात खत्म, हम दो। हम तो कहते हैं एक बेटी नहीं, कम से कम 2 बेटी होना चाहिए। बोलो राधे राधे। बेटा एक चलेगा लेकिन बेटी 2 ही चलेगी। क्यों? तो संत कहा करते हैं एक बेटा एक बेटी। आपने बेटा के लिए किसी की बेटी दान ले ली, एक बेटी अपनी दान दे दी, सब तराजू बराबर हो गई, एक दी एक ली, तो आपके खाते में क्या आया हिसाब तो बराबर हो गया। 2 होंगी तो कम से कम एक तो माल खाते में पड़ेगा। बोलो राधे राधे, बोलो राधे राधे। तो बेटियां कम से कम 2 होना चाहिए, लेकिन देवूति जी के कितनी बेटियां? 9। और कैसी बेटियां मालूम है? एक से एक अलौकिक। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम सक्षम आत्मनिवेदनम। ये साक्षात नवदा भक्ति बेटियां हैं। पर भगवान ने तो बड़ी सीधी बात कह दी, 9 में से कहूं एक होई। अगर 9 नहीं है तो एक भी हो जाए तो भी कल्याण हो जाएगा। होना जरूर, बेटी होना परम आवश्यक। एक से एक अलौकिक बेटियां मालूम है, वो तो होना ही था। स्वयं करदम, महात्मा का नाम क्या था? करदम का अर्थ क्या है? क
कर नाम है इंद्रियों का, कर कहते हैं इंद्रियों को, दम माने बस में करना। जिसने अपनी इंद्रियों को बस में कर लिया ऐसा महापुरुष है करदम। और पत्नी मिली तो कैसी, देवहूति, देवानहूति। जिस जगह पर देवहूति बैठी जाती तो भजन करने ना, उस जगह पर देवता अगर आकाश से निकलते थे तो नीचे झुक के प्रणाम करते थे तब निकलते थे। जिस शक्ति के आगे देवता भी आहूत हो जाते थे उसका नाम है देवहूति, करदम देवहूति। और बेटियां हुई तो कैसी अलौकिक, एक से एक महाराज, एक से एक साक्षात नवदा भक्ति का रूप लेकर के 9 बेटियां हुई। एक बेटी तो ऐसी हुई अनसुईया अत्री की जो पत्नी बनी, जिसके तप के आगे तीनों देवताओं को बेटा बनना पड़ा, ऐसी बेटियों ने जन्म लिया करदम ऋषि के, ब्रह्मा विष्णु और महेश तीनों बेटा बने। कैसे, एक बार नारद जी बड़े विनोद में आनंद लेने के मूड में निकल पड़े, पार्वती जी के पास पहुंचे। माँ भगवती पार्वती ने कहा, नारद क्या बात है, आजकल आना जाना बहुत कम कर दिया है। नारद जी बोले, बस माता जी अपन ने एक संकल्प लिया है। क्या, जहां सच्चा प्रेम हो और बड़ी बड़ी पतिव्रताएं स्त्रियां हो बस वहीं जाते हैं। पार्वती जी ने डांट के कहा, खबरदार मोते बड़ी कोई दुनिया में पतिव्रता है का। सर नारद जी बोले, आप नंबर एक की नहीं है, हैं तो आप भी बनी, लेकिन नंबर एक तो अनसुईया का है। अब ये महिलाओं को कहां मंजूर है, बोलो राधे राधे। नंबर एक तो मुझे चाहिए, बोलो राधे राधे। आप मोहे नार नार कर रूपा, पन्न गार ये पुरुष अनुपा। पुरुष इस बात पर विशेष ध्यान नहीं दे सकता, लेकिन महिला अपने से बड़ी दूसरी महिला को समझ ले, भगवान की बहुत बड़ी कृपा है। प्यार से बोलो राधे राधे। आप लोग मन में कुछ गिलानी मत लाना, वैसे मैं जानता हूं आप हो ही इतने अच्छे श्रोता, मानोगे ही नहीं, बुरा। बोलो राधे राधे। हाँ, पर ये कट सच है, पर क्यों आज देखी पार्वती जी नाराज हो गई। सिर्फ इस बात का दुख है कि वो मुझसे बड़ी पतिव्रता क्यों है, मैं क्यों 2 नंबर पे। तो क्या करना चाहिए, शंकर जी से लड़ गई, ये कही तो तीर है महाराज, तुरंत तीर चला दिया। और ऐसा तीर चलाया कि भोलेनाथ की समाधि में खुलवा दी और कैलाश से बाहर कर दिया। बोले पहले धर्म नष्ट करो, फिर घर में अंदर प्रवेश करो। बेचारे सीधे सच्चे भोलेनाथ अनसुईया का धर्म नष्ट करने चल दिए। लक्ष्मी जी से नारद जी ने कहा तो नारायण भी चल दिए, ब्रह्माणी ने ब्रह्मा जी से कहा तो ब्रह्मा जी भी चल दिए। तीनों देवताओं को नारद जी ने हिला दिया, एक चौराहे पर तीनों मिल गए। ब्रह्मा जी ने कहा कहां से पधारे, विष्णु जी बोले क्या बताएं, जिस दिन घर में नारद घुस जाएं सब घर की शांति भंग कर देते हैं। पता नहीं क्या पार्टी पढ़ा के चले आए, अनुसुईया के धर्म नष्ट करने जा रहा हूं। भोलेनाथ बोले प्रभु मैं भी जा रहा हूं। तो ब्रह्मा जी बोले मोई ये जायवाद की बीमारी लगी, मैं हूं चल रहा हूं। तो भगवान ने कहा एक काम करो, जब तीनों का कार्य एक है तो तीनों एक साथ चलते। तो ब्रह्मा विष्णु महेश धर के संत का भेष, पहुंच गए अनुसुईया के गेट। और जैसे अनुसुईया के गेट पर पहुंचे, आवाज लगाई भिक्षाम देगी, अनुसुईया दौड़ के बाहर आई, तीन पात्रों में फल ले आई। लेकिन महात्मा बने भगवान कोई भूखे तो हते ना है, वो तो कुछ कारण और ही था। सो ठाकुर जी बोले देवी ऐसे भिक्षा ना लेंगे, तो अगर भिक्षा दे तो निर्वस्त्र होके दो। और जैसे निर्वस्त्र के लिए कहा, अनुसुईया घबराई दौड़ के अंदर आई, अपने पति अत्रि का ध्यान लगाई और मन से प्रार्थना करी, स्वामी अगर आज तक मैंने जीवन में पूरे विश्व में एक पुरुष के अलावा दूसरी को पुरुष नजर दी हो तो मत सुनना, अगर मेरी जिंदगी में एक ही पुरुष है और बाकी सब स्त्री हैं तो मेरी प्रार्थना सुन लें। और उसका फल यह है, इन महात्माओं ने जैसे भिक्षा मांगी है वैसे ही दूंगी, लेकिन 3.5 हाथ के बाबा जी को नहीं, इनको 3-3 महीना का लल्ला बना दो। तीनों देवता पातिव्रत धर्म के आगे 3-3 महीना के छोटे छोटे बच्चे बन गए। अनसुईया गई, तीनों को उठा के लाई, आंगन के पलना में लिटाई और पलना झुला रही। एक महीना बीता, 2 महीना बीता, 3 महीना बीता,
ठाकुर जी नहीं आए तो बेचारी तीनों की देवियां घबराई, घबरा करके ढूंढने निकल पड़ी। एक चौराहे पर तीनों मिल गई। लक्ष्मी बोली, पार्वती माई कहाँ जा रही हो? पार्वती बोली, क्या बताऊं लक्ष्मी मैया, या नारद की बातन में आकर के मैंने अपने भोले भाले को परेशान कर दिया। बेचारे वो तो दुनिया से अलग रहते हैं, पता नहीं मैंने किस काम करने भेज दिया, धर्म नष्ट करने, इतना बड़ा अपराध, ऐसे बुरा मान के लौट के घर ही नहीं आए। लक्ष्मी जी बोली, ब्रह्माणी तुम? बोले, मेरे भी गए वो भी नहीं लौटे। लक्ष्मी जी बोले, कल के नारद ने हम तीनों को पागल बना दिया। अब लक्ष्मी जी का माथा गरम, इस समय नारद आ जाए वो सजा दूंगी, जीवन भर याद रखेगा। कितने में तो नारद जी आई गए, नारायण नारायण नारायण, दूर से बोले, माता हो प्रणाम। लक्ष्मी जी बोली, इधर आओ। नारद जी ने सोचा इस समय पास में जाना खतरे से खाली नहीं होगा। दूर से बोले, माता जी क्षमा करना, पास में नहीं आ सकता। क्यों? मेरा अनुष्ठान चल रहा है और उस अनुष्ठान का नियम है स्त्रियों से दूर रहा जाता है। अब मैं पास में कैसे आऊंगा, अनुष्ठान खंडित हो जाएगा। आप वहीं से बताओ क्या कहना है। लक्ष्मी जी इसकी बात जब ये सुनी तो पार्वती जी ने कहा, लक्ष्मी भैया ये बहुत होशियार बाबा, रास्ता निकाल दी दूर रहने की। अब जल्दी से इनसे अपने पतियों का पता पूछ लो, क्योंकि ये सबसे बड़े खबरी लाल हैं, अगर ये खिसक गए तो पहले इन्हें ही ढूंढना पड़ेगा। पार्वती जी, लक्ष्मी जी ने कहा, नारद बहुत हो गया मजाक, बताओ हमारे पति कहाँ हैं? नारद जी बोले, समाचार ठीक नहीं है। क्या? अब बोले, तुम्हारे पति दुनिया में नहीं रहे। एकदम भड़क गई लक्ष्मी जी, क्या बोलते हो? नारद जी बोले, माता जी क्या करो, बेचारे गए तो थे धर्म नष्ट करने, खुद ही नष्ट हो, क्या हो गया? अरे तीन तीन महीना के बच्चे बन गए, और जल्दी जाओ ले आओ, नहीं तो क्या होगा तुम सोच लो। किसी माँ के लाल बने हैं, अब वो बड़े बनेंगे, और बड़े हो जाएंगे तो माता पिता क्या करेंगे, फिर तुम्हें कौन पूछेगा? जल्दी जाओ। बेचारी तीनों देवियों ने साधारण स्त्री का भेष बनाया, अनसुईया के गेट पर पहुंची। अनसुईया ने कहा, क्या चाहिए माँ? हमें तो अपनी झोपड़ी में एक कोने में रहने की जगह दे दो, तनख्वाह कुछ नहीं लेंगे, दो टाइम की रोटी और सोने की जगह, और जो सेवा बताओगी वो करेंगे। अनसुईया ने मन में सोचा, तीनों बच्चों को मैं खिलाने का समय नहीं दे पाती, पति की सेवा तो मैं खुद करती हूं लेकिन बच्चों को नहीं ले पाती। एक काम करो देवी हो, तुम्हें भी रोटी बना के मैं दूंगी, तुम मेरे तीनों बच्चों को खिलाना। अब तीनों देवियां पहुंची पलना के पास, आंगन के उस पलना में तीनों ललना सो रहे हैं चकाचक। अब तीनों देख रही हैं किसका कौन है, क्या किसका कौन है। अच्छा बच्चा हो तो किसी का भी कोई भी उठा ले, इनका मामला कुछ और ही है। बोलो राधे राधे। बिचारी तीनों घबराई, और एक बात बताऊंगा आपको, बड़े की तो पहचान भी जल्दी हो जाती, बच्चे तो लगभग सबके एक ही जैसे होते हैं। अब संशय में पड़ रही कि एक दूसरे का ना उठा लें, सोच रही है क्या करें, मिल भी गए हैं हमारे पति तो हम पहचान नहीं पा रही। लक्ष्मी जी बोले, नहीं नहीं नहीं, मैं तो पहचान लूंगी। कैसे? बोले, जिनकी छाती पे भृगु ऋषि के चरण का चिन्ह बना होगा वो मेरे नारायण होंगे, क्योंकि शरीर की आकृति छोटी हुई है, पुनर्जन्म नहीं होगा। बोलो राधे राधे। पार्वती जी बोले, तो मैं हूं पहचान लूंगी। कैसे? बोले, जिनका कंठ नीला होगा वो नीलकंठ महादेव होंगे। चलो। ब्रह्माणी बोली, ब्रह्माणी से पूछा, तुम बताओ तुम कैसे पहचानोगी? ब्रह्माणी बोली, मेरे की पहचान तो है ना है, लेकिन काम बन गया। कैसे काम बन गया? तुम अपने को उठा लो, तुम अपने को उठा लो, जो डरे परे सो हमारे, बगैर पहचान के हम उन्हें अपना मान लेंगे, क्योंकि वो तीनों साथ ही आए थे। लक्ष्मी जी ने नारायण को उठाया, पार्वती जी ने भोले को उठाया, ब्रह्माणी ने ब्रह्मा को उठाया। अत्रि महात्मा आश्रम में आए, आंगन के पलना में तीन तीन ललना को पाए, मन में मुस्कराए, अति हर्षाए, अनुसुईया को बुलाए, जो तो बताओ ये किसके जाए, ये किसके जाए। अनुसुईया बोली, आप ही के हैं हमारे, ये बिन मौसम बारिश कब होगी पता ही नहीं पड़ा,
और ये देवियां कौन है? बोले आपकी पुत्र वधु है। हे भगवान, 3 महीना का बेटा, 3.5 हाथ की बहू। महाराज ऐसी अलौकिकता शक्ति बिखेरी अनुसैया ने, और वो बेटी थी देवहूति की। ये बेटियों की महानता देखिए आप। बोलो राधे राधे। इस बेटी की तप के आगे तीनों देवताओं को बेटा बन के आना पड़ा, ऐसा कठोर महानता उस बालिका की है। और ऐसी बेटियों से लोग आजकल डरते हैं। बोलो राधे राधे। जोर से बोलो राधे राधे। राधे राधे। बेटियों की दिव्यता देखो, बेटियों की महानता देखो। बेटा केवल एक परिवार की इज्जत रखना चाहता है, बेटी 2 परिवार की इज्जत पर दाव नहीं लगने देती। ससुराल में संभल के रहती है कि ससुराल वालों से कोई कुछ यूं ना कह दे कि तुम्हारी बहू ऐसी। दूसरी अपने मायके की चिंता साथ में रखती है, कहीं कोई मेरे पिता से मेरे बारे में ना कह दे मैं ऐसा कोई कर्म नहीं करूंगी जिससे कि मेरे पिता पर मेरी शिकायत पहुंचे। 2-2 जगह की डर उसके दिल में रहता है। तो अब बताइए, बेटी होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। लोग कहते हैं महाराज वही बेटी तो किसी की बहू बनती है, और जब वो बहू बन करके आती है तो फिर बेटी जैसा भाव क्यों नहीं दिखाती है? सज्जनों, उसमें बहू की गलती नहीं होती है, उसमें गलती तुम्हारे बेटा की होती है। बोलो राधे राधे। राधे राधे। आप देखिए, उसमें तुम्हारे बेटा की गलती होती है। मैं तो स्पष्ट कहता हूं, अरे धन्य है उन बच्चियों को, कम से कम ससुराल में रह के भी अपने माँ बाप की बुराई नहीं सुन सकती। धन्य है वो बेटियां जो ससुराल में रह करके भी अपने माँ बाप की बुराई नहीं सुन सकती। धिक्कार है उन बच्चों को जो अपने घर में रह करके भी अपने माँ बाप की बुराई सुनते रहते हैं, उन्हें धिक्कार। पति अगर अपनी पत्नी के माँ बाप की बुराई करेगा, पत्नी नहीं सुनेगी, और पत्नी अगर सास ससुर की बुराई करेंगे तो बेटा सुनता रहेगा। तो बताइए गलती किसकी है? जब वो नहीं सुन सकती, अरे उन्हीं को गुरु जी बना लो, तुम उन्हीं से शिक्षा ले लो। जब ये नहीं सुन सकती तो मैं क्या उससे सुन सकता हूं? लेकिन विडंबना है इस संसार की, यही सबसे बड़ी। लोग दूसरे पर, एक दूसरे पर दोष थोपते हैं, लेकिन अपने आप को सुधारने का प्रयास नहीं करते। तो निवेदन है मेरा, संसार में बेटियों के जितने गर्भपात हो रहे हैं, अपराध बढ़ता जा रहा है। कलयुग कोई समय से नहीं आएगा, कलयुग की उम्र है 4,32,000। वो अगर अपराध ज्यादा बढ़ेंगे तो कभी भी आ सकता है, ध्यान रखना। अभी तो कलयुग चल रहा है, लेकिन कलयुग आया नहीं है। कलयुग आ जाएगा तो फिर कथा थोड़ी ना हो पाएंगी, फिर तो महाराज कलयुग टूट पड़ेगा। कथा कोई राम कहेगा उसी पर टूट पड़ेगा। इसलिए सज्जनों सावधान, बेटियों के प्रति दुर्भाव नहीं। अब तो खैर समाज में इतना तो हो गया, पेट में ही गड़बड़ कर दे सो कर दे, बेटी होने के बाद तो बेटियों से बहुत लोग प्रेम करते। अब पेट में किसी ने साफ कर दिया तो उससे बड़ा हत्यारा कौन हो सकता है? प्यार से बोलो राधे राधे। राधे राधे। अनुसुईया ऐसी महान बेटी थी, और जिसके घर में ऐसी बेटियां होंगी उसके बाद पता कौन आएगा? फल तो बताना ही रह गया, उसके बाद ही भगवान कपिल का अवतार होता है। बोलो कपिल देव भगवान की जय। नौ बहनों के भाई हैं कपिल, ध्यान देना आप लोग। 9 बहनों के भैया कपिल बन करके आए, 9 ही बहनों की शादी महात्माओं से कर दी। और करदम ऋषि ने कहा, देवी देवभूति, हमारी तो आपसे एक संतान के बाद बाबा जी बनना तय था, अब तुम हमें रोकना नहीं। 9-9 बेटियां हो गई और तुम्हारे लिए साधन मैंने जीने का बेटा दे दिया, अब मैं चलता हूं। देवभूति ने कहा, अब महाराज मैं आपको रोक भी नहीं सकती, आप अपना भजन करें। करदम ऋषि तप के लिए चले गए। अब देवभूति जी घर में और भगवान कपिल घर में, ध्यान सुनना आप लोग। देवभूति जी प्यासी हैं और कपिल प्याऊ है। देखो, देवभूति जी प्यासी हैं और कपिल देव प्याऊ हैं, लेकिन दोनों के बीच में एक मर्यादा है कि मैं बेटे से कैसे मांगूं। और कपिल भगवान सोच रहे हैं कि जो मेरे पास ज्ञान है मैं माता जी को कैसे दूं। ये बीच में एक दीवाल खड़ी थी। कपिल भगवान ज्ञान देना चाहते हैं और देवभूति ज्ञान लेना चाहती हैं, लेकिन संकोच मन में हो रहा है, मैं अपने बेटा से कथा कैसे सुनूं।
कथा करानी है, लेकिन बेटा से कैसे सुनो। आखिरकार देवूति जी दौड़ करके गई अपने बेटे के पास और बोली, बेटा कपिल। कपिल बोले, मां ये क्या उल्टी गंगा बह रही है, आप मुझे प्रणाम करती हो। बोले, मेरी एक प्रार्थना सुन लो कपिल, क्यों मुझे दुनिया में भेज रहे हो, जब मुझे पता है अथाह सागर ज्ञान का तुम्हारे अंदर भरा पड़ा है, तो मैं क्यों ना तुम्हारे ज्ञान को लूं, और वो ज्ञान तुम तभी दे पाओगे, मैं जब ही ले पाऊंगी जब तुम मेरी एक बात मान लोगे। क्या? कुछ समय के लिए मां और बेटे के रिश्ते को तोड़ दो, तो एक गुरु और शिष्य का रिश्ता जोड़ लो। जब हम एक दूसरे के गुरु शिष्य बन जाएंगे तो फिर भावना बदलेगी, ध्यान बदलेगा, शब्द एक अंतर तक जाएगा। शिष्य अस्ते हम स्वाधिमाम त्वाम प्रपन्न। देवूति ने कहा, बेटा कपिल, मैं तेरी शिष्य हूं और तू मेरा गुरु, मुझे आत्मबोध करा दे, इस अंधकार से बाहर निकाल दे। भगवान कपिल ने कहा, मां देवूति, अगर तुम्हारे मन में विचार है तो परिपूर्ण ब्रह्म की प्राप्ति निश्चित है, तुम्हारे मन की शंका क्या है। बोले, हमारा जन्म हुआ है, हमने खाया पिया और हम एक दिन मर के भी चले जाएंगे, क्या मनुष्य इसीलिए आता है? थोड़ा सा ध्यान से सुनना, जन्म लेना, जीवन यापन करना और मर के चले जाना, यही काम है हमारा। आखिर मानुष जीवन का धर्म क्या है, मानव जीवन का कर्म क्या है, उसको करना क्या चाहिए। तब भगवान कपिल ने कहा, मां, मानव जीवन का परम धर्म है परमात्मा का चिंतन करना, परमात्मा का ध्यान लगाना, परमात्मा से इतनी आसक्ति कर लेना कि प्रभु के चरणों में अपने आप को डुबो देना, भगवान को ध्यान में लाना। ध्यान भी दो प्रकार के हैं, एक सबीज ध्यान, एक निर्बीज ध्यान। ध्यान देना कि कपिल गीता है इसका नाम, कपिलोपाख्यान। कपिल भगवान ने सांख्य शास्त्र का उपदेश दिया, जन्म जीवन और मृत्यु ही मानव का धर्म नहीं है, मानव का परम धर्म है परमात्मा को ध्यान में लाना। बोले, उस ध्यान में बैठने के लिए प्रारंभिक भूमिका क्या है। देखिए, थोड़ा सा ध्यान से सुनना आप लोग, सबसे पहले अगर आपको परमात्मा को पाना है तो आसन को जीतना पड़ेगा। जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेन्द्रिय स्थूले भगवतो रूपा मनः संधारये धिया। जितासनो, आसन को जीतो, 3 घंटे बैठने का अभ्यास करो। जब आपका आसन आपके बस में हो जाएगा तो आगे की क्रिया चालू हो जाएगी। जितासनो जितश्वासो, फिर प्राणायाम करो, श्वास को जीतने की कोशिश करो। जीवन में जितनी कम श्वास ली जाए उतना अभ्यास करो, बहुत जल्दी जल्दी श्वास नहीं लेना चाहिए, क्योंकि हमारी जो जिंदगी है वो श्वासों की है, गिनती की श्वास है। अगर जल्दी खत्म हो जाएंगे तो जल्दी जाना पड़ेगा, और सोने से ज्यादा श्वासें चलती हैं, इसलिए कम सोना चाहिए। बोलो राधे राधे। आप जितना ज्यादा सोएंगे उतना उम्र घटेगी। आपने देखा होगा बड़े योगी योगी संत महात्मा ज्ञानी ध्यानी केवल 4-5 घंटे सोते हैं। क्यों? 4-5 घंटे में तो ज्यादा श्वास चलेंगे, जिएंगे जागेंगे तो कम श्वास लेंगे। श्वास को जीतो, जितासनो जितश्वासो जित संगो, तीसरा है संग को जीतो। हमारा संग कैसा है? जैसा करेंगे संग वैसा चढ़ेगा। कई बार हमारी इस बात पर लोग टाल देते हैं, टोक देते हैं, कह देते हैं, महाराज संग का ऐसा कुछ नहीं है। क्या भैया? ठीक है, तुम्हारे ऊपर संग का रंग नहीं चढ़ा, लेकिन सावधान रहना, कब बौछार आ जाए पता नहीं पड़ेगा। संसर्ग जा दोष गुणावंती, संघ का दोष आता है तो उन्होंने हमारी बात को खत्म करने के लिए कहा। बोले, चंदन विष व्यापत नहीं लपटे रहत भुजंग। वन में चंदन के वन में चंदन के पेड़ पर सर्प लपटे रहते, लेकिन सर्प का जहर चंदन में नहीं आता। हमने कहा, यह बात आपकी हम मानेंगे कि चंदन में सर्प का जहर नहीं आ सकता,
लेकिन समस्या यह है कि दुनिया में तो सर्प है लेकिन तुम तो चंदन नहीं हो। बोलो राधे राधे। अगर हम चंदन बन जाए तो सर्प का हम पे कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन हम चंदन नहीं है, हम तो ऐसे हैं कि हमें तो नहीं भी लिपटेगा तो दूर से ही जहर हम पी लेंगे। इसलिए सज्जनों सावधान, संग को पूरी तरीका से जीतो, अच्छे लोगों का संग करो, संग का असर तो बहुत पड़ता है। जितासनो जितस्वासो जित संगो जितेन्द्रिया स्थूले भगवतो रूपा मनः संधारये धिया। आसन को जीता, श्वास को जीता, संग को जीता, चौथा नंबर जितेंद्रियः, इंद्रियों को जीतना पड़ेगा। सीढ़ी है, मैं आपको बता रहा हूं, जिस तत्व को पाने के लिए आप इतना मेहनत प्रयास कर रहे हैं तो प्रारंभ की भूमिका। कपिल भगवान कहते हैं मां देवभूति से, जितेंद्रिय इंद्रियों को जीतो। अब हम इंद्रियां कैसे जीत सकते हैं? अपनी इंद्रियों को बस में करो। हमारी रसना इंद्री कहती है रसगुल्ले खिलाओ। अब हमने सोचा आज खिला देते हैं, तृप्त तो हो जाएगी, इसके मन में तो नहीं रहेगा, ये भ्रम है हमारा। आज अगर रसगुल्ले खिलाए तो कल रसमलाई मांगेगी। हाँ, इसलिए बुद्धिमानी यही है, अगर इंद्रियों पर काबू पाना है, रसगुल्ले मांगे तो चटनी चटा दो, चार सब्जी मांगे तो एक से खिलाओ, एक मांगे तो बीच में नमक से ही खिला दो। बाद में इच्छा करना बंद कर देगी, बोले इसके भरोसा नहीं है, को बगैर सब्जी बगैर नमक के ही खिला दे। इंद्रियों को जीतना, बाढ़ है विषय विषय अधिकाई। अगर हमने इंद्रियों की एक कामना पूरी करी तो दूसरी कामना साथ में जुड़ी रहेगी, ये पक्का है। इंद्रियां कभी तृप्त नहीं होती, इंद्रियों की जिंदगी तो खत्म हो सकती है। देखना इंद्रियों के न घोड़े भगे, 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 रात दिन इनमें संयम के कोड़े लगे, रात दिन इनमें संयम के कोड़े लगे, अपने रथ को सुहारक लगाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। देखना इंद्रियों के न घोड़े बढ़े, ये इंद्रियां इतनी खतरनाक हैं, हमें पता ही नहीं पड़ जाता, और ये अपना काम करती रहती हैं। इसलिए सज्जनों सावधान, समय समय पर इनको संयम रूपी कोड़े मारो। जब ये किसी भी चीज पर ज्यादा जाए समझ लो ये वहां पर फिसल रही है, उनको वहां से संभालो, अन्यथा कहीं फिसल के चोट ज्यादा लग गई तो गारंटी नहीं है। रसना ज्यादा खाना चाहे इसको दबाओ, स्रोत इंद्री पर भी कंट्रोल करो, मन को स्थिर करो। जब तक हमारी इंद्रियां बस में नहीं होंगी तब तक मन और कमजोर रहेगा, ये ज्यादा जिस पे प्रवृत्ति हो जाए समझ लो वहां वो फंस रहा है। याद आएगी उनको कभी ना कभी, याद आएगी उनको कभी ना कभी, कृष्ण दर्शन तो देंगे 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 कभी, ऐसा विश्वास मन को दिलाते चलो, ऐसा विश्वास मन को दिलाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो।
चलो। दुख में तड़पो मती, सुख में फूलो मती। दुख में तड़पो मती, जीवन में उतारो फूलो मती। दुख में तड़पो मती, सुख में फूलो मती। दुख में तड़पो मती, सुख में फूलो मती। प्राण जाए मगर नाम भूलो मती। प्राण जाए मगर नाम भूलो मती। मुरली वाले मन से जाते चलो। मुरली वाले को मन से जाते चलो। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। मन को विषयों से हरदम हटाते चलो। मन को विषयों से हरदम हटाते चलो। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते 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 चलो। मन को विषयों से हरदम हटाते चलो। हर समय हटाओ। आप ये मत सोचो कि ये तृप्त हो जाएंगे, ना ना। इनकी तृप्ति की तो पता हालत क्या है। एक मैं उदाहरण दिया करता हूं, अगर आपको याद हो तो। एक महाराज 24 जी खूब नौता जी ने जाते थे, पंडित जी महाराज निमंत्रण पे जाते थे। इंद्रियों की हालात बता रहा हूं। एक दिना उन्होंने अपनी घरवाली से कही, अरे घरवाली एक बात बता, रोज नौता पे जाऊं, तरह तरह के पकवान खाऊं, आनंद आ जाता है, आज नौता नहीं आया, क्या तुम नहीं बना के खिला सकते? पत्नी ने कहा, रोज ही तो बनाऊं, ऐसे ना है बढ़िया वाला पदार्थ जैसे नौता पे मिले, माल पानी बेसो। हाँ तो ठीक है, कल की पक्की रही, मेरा ही नौता ले लो। महाराज पत्नी 4 बजे उठी, रसोई में चली गई और नाना प्रकार के पकवान बनाए, मिठाइयां बनाई, फुलका बनाए, दाल बनाई, थाली परोसी और पंडित जी के आगे धर दी। पंडित जी ने थाली देखी तो मन गदगद हो गया, भाई वाह, ऐसा तो नौता पे ना मिले जैसो घर में मिलो। क्या कहने, वाह देवी वाह, क्या भोजन बना है। अब महाराज जी ने खाए वो शुरू कर दियो। इतना खाया कि खाते खाते पेट भर गया। वाह देवी वाह, ऐसो भोजन तो आज तक कभी कियो ही ना है, मेरे तो पेट भर गयो। पत्नी बोली, खा कह रहे हो पेट भर गो? बोले हाँ। और जे रबड़ी कौन खाएगो? अरे भगवान रबड़ी भी बनाइए। हाँ इतने पहले चोना बताई, पेट पूरी से भरवा दियो। चल कोई बात ना, तू रबड़ी लिया। महाराज 1 किलो रबड़ी पी गए। हाँ अब ऐसा लगा शरीर में जान आई, नहीं तो पूरी पूरी से क्या होता है, मिठाई तो आना चाहिए। और जैसे रबड़ी पाई, बोले अब पेट भर गया है। पत्नी बोली, महाराज तुमने इतनी जल्दी पेट भर लियो, और जे रसमलाई कौन खाएगो? बाबरी तेने रसमलाई पहले चोना दई है, चल लिया उसको भी देखते हैं कैसी है। महाराज 4-5 रसमलाई पाए गए, अब तो गले तक भर गया। पहले आए तो झुक के बैठे, तब सीधे बैठ गए, अब गले तक पेट भर गया। बोले देवी अब कोई इच्छा नहीं है मन में। पत्नी बोली, तो चलो कोई बात ना, जे रसगुल्ला मैं ही खा लूंगी। हे रसगुल्ला ही बनाए? हाँ ला, 2 रसगुल्ले भी दे दे। 2 रसगुल्ले खाए तो पानी पीने की जगह ही नहीं, अंदर ही ना जाए। अब बेचारे घबराए, अरे भाग्यवान मैं तो चला, मैं तो मरा, अब तो सांस ही लेने की जगह नहीं है, क्या करूं, ये भोजन अंदर जा ही नहीं रहा। घबराया, पति दौड़ के आई, धीरे से पत्नी ने पीठ थपथपाई, नमक नींबू घोल करके जल मुंह में पानी पिलाई और फिर पीठ थपथपाई, धीरे से बोली, स्वामी जी सांस आई, सांस आई। पति बोले, नेक और कोशिश कर। बेचारी घरवाली फिर गई है, महाराज नमक की चटनी इत्यादि बना के लाई, काले नमक के साथ में जैसे जीप पर चटाई, अब पानी की तो जगह ही नहीं थी, पानी का स्वाद अंदर जाए तो भोजन अंदर जाए, और जैसे चटनी अंदर गई, धीरे से पीठ थपथपा के पूछा, स्वामी जी सांस आई? उसे डर लग रहा था कहीं लौटी नहीं सांस तो मेरा क्या होगा। धीरे से पूछा, सांस आई? अब भोजन थोड़ा सा नमक से गल के नीचे चला गया। हाँ अब सांस आई, अब ठीक हो।
सुन घरवाली बोली क्या ये ठीक ठाक और सांस की बात बाद में करना, पहले जे बता कल क्या बनाएगी, पहले जे बता कल क्या बनाएगी, आज मरते मरते खाने से बचे और कल से खाने की चिंता शुरू हो गई, ये हमारी इंद्रियों का हाल है। बोलो राधे राधे। बाड़े विषय विषय अधकाई, इनकी तृप्ति कर दोगे ये कभी तृप्त नहीं हो सकती हैं, आप कितनी भी सुविधा दे दो। तो एक ही उपाय है, मैं तो यही कहूंगा, संयम रूपी कोड़े मारो। अगर हमारा शरीर रूपी इंद्री सुबह 8 बजे के आठ बजे उठने को कहता है 6 बजे उठा दो, 6 बजे की आदत है 4 बजे उठा दो, इसको इसके अनुसार मत चलने दो, इसको अपने अनुसार चलाओ। हमारी इंद्रियां हम जो कहेंगे वो खाना पड़ेगा, हम कानों को जो कहेंगे वो सुनना पड़ेगा, नासिका को हम जो सुंघाएंगे वो सूंघना पड़ेगा। इंद्रियों को बस में करोगे फिर उस परमात्मा की ओर चलोगे। जरा ध्यान से सुनना, जिता सुनो जित श्वासो जित संगो जितेन्द्रिया स्थूले भगवतो रूपा। अब भगवान का स्थूल और विराट रूप का दर्शन करें। सूक्ष्म भगवान इतने हैं कि राई होती ना राई, राई के भी 100 भाग करो इतने छोटे भगवान हैं। और विराट कितने हैं, अणो रणियान महतो महियन, विराट इतने हैं कि महाराज पूरा ब्रह्मांड एक तरफ हो जाए तो उनकी एक उंगली ना आ पाए, इतने विशाल काया है। विशाल काया इतनी है कि एक बार पीठ की खुजली मिटाने के लिए पर्वत का रूप लेकर के मछली बन करके पहुंचे थे समुद्र में, तो जब पर्वत ऊपर रखा गया तो घर मर्षण करके खुजली मिटाई गई। तो छोटे के लिए भगवान छोटे, बड़े के लिए भगवान बड़े। तो स्थूले भगवतो रूपम मनः संदार ये दिया, उस परमात्मा को जब हमने आसन इत्यादि करके अपने आप को स्थिति में ठीक किया है तो फिर उसको ध्यान में लाओ। अब ध्यान में कैसे लाना है, देखिए थोड़ी सी ज्ञान की चर्चा भी करना चाहिए ना। तो ध्यान में मैंने आपसे कहा ना, 2 प्रकार का ध्यान होता है, एक निर्बीज ध्यान एक सबीज ध्यान। हम कहते हैं महाराज जैसे ही हम ध्यान में बैठते हैं हमारा मन भागता है, ध्यान में बैठते हैं तो मन भागता है। अब किधर भागेगा आपका मन, केंद्र बिंदु एक बना लो, अपना केंद्र बिंदु एक बना लो। हम ध्यान में बैठे हैं मां भगवती पीताम्बरा के सामने, हमारा मन भाग गया ग्वालियर, लेकिन लौट के आएगा कहां, जहां बैठे यहीं आया। दूसरी बार मन फिर भाग गया हरिद्वार, फिर लौट के आ गया वहीं धाम में। तीसरी बार कहीं भागा फिर लौट के कहां आया, धाम में। तो मेरे कहने का तात्पर्य, धाम में 10 बार आया और 10 जगह एक एक बार गया, और जहां ज्यादा बार आएगा एक दिन मन वहीं लग जाएगा। बोलो राधे राधे। जहां लौट के बार बार आएगा वहां मन वहां लगेगा, इसलिए केंद्र बिंदु आप बना लीजिए। ध्यान किसका करना है, आप लीला का ध्यान कर सकते हैं, आंख बंद कर लो, सोचना कुछ नहीं, जो मैं कह रहा हूं वही सोचना है। यशोदा मैया के आंगन में मेरे गोपाल जी घुटना घुटना चल रहे हैं, चलते चलते मिट्टी दिखाई पड़ी, मिट्टी खाई ली, मैया पूछ रही है लाला माटी खाई। वो आप आंख बंद करके सोचने के साथ साथ लीला का दर्शन करते जाए, आपको लीला दिखने लगेगी। ये भी एक ध्यान है, आप ये सभी ध्यान में आता है जिसमें कुछ आपने चित्र बना लिया। जब आप अंदर कोई चित्र बना राधे राधे।
राधे राधे गोविंद गोविंद राधे जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे जय राधे राधे
भगवद भागीरथी में डूबते हैं। वैसे भी भागवत शब्द भाग्य से ही प्रारंभ होता है, भाग्य शब्द से भागवत प्रारंभ होता है। जब तक जीव के जीवन में भाग्य उदय नहीं होगा तब तक सब कुछ मिलेगा पर भागवत नहीं मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। जब भाग्य उदय होगा तो क्या मिलेंगे? कई बार व्यक्ति हताश होकर के जीवन में मान लेता है मेरा तो अभी भाग्य खराब चलता है, लेकिन आप इस बात को बिल्कुल निश्चिंत हो जाएं, जब आप भागवत कथा सुनने लग जाएं तो समझ लो भाग्य तो आपका उदय हो गया। भागवत कथा एक जन्म के सत्कर्म से प्राप्त नहीं होती, कोटि जन्म समुत्थेन तदा भागवतम लभेत। जब जीव के जीवन के करोड़ों जन्मों का सत्कर्म उदय होता है तब श्रीमद् भागवत की कथा प्राप्त होती है। आप बड़े भाग्यशाली हैं, श्रीमद् भागवत कथा सुन रहे हैं, श्रीमद् सप्त का जिसका सम्मान, कोटि जन्म, एक जन्म नहीं, दो जन्म नहीं, कितने जन्म? कोटि जन्म। याद रखिएगा, आप धन कमा करके बड़े बड़े पूंजीपतियों को पीछे छोड़ सकते हैं, पद प्राप्त कर सकते हैं, ऐश्वर्य प्राप्त कर सकते हैं, धन प्राप्त कर सकते हैं, सम्मान पा सकते हैं, पर प्रभु की कथा नहीं सुन सकते। गोस्वामी जी ने बड़ी सुंदर बात कही, सुत तारा और लक्ष्मी किसके घर हो? पापी के ऊ घर हो। सुत पुत्र, दारा पत्नी, लक्ष्मी सबके घर हो सकते, लेकिन संत समागम हरि कथा, संतों का संगम और भगवान की कथा, तुलसी दुर्लभ दो। दुनिया में दो ही चीज दुर्लभ है सज्जनों, श्रीधाम वृंदावन में ये दोनों चीज प्राप्त होंगी, संत दरस भी होगा, कुंभ लगाए, महाकुंभ लगा हुआ है, और भागवत कथा भी हो, तो ये दोनों चीज जब हमें प्राप्त हो रही है किसकी वजह से? भाग्य की वजह से, भागवत मिली भाग्य की वजह से। लेकिन भाग्य उदय नहीं होगा तो भागवत भी नहीं मिलेगी। कई जन्मों के सत्कर्म उदय होते हैं तब भागवत कथा प्राप्त होती है। और भागवत किसे कहते हैं? भागवत मानव जीवन का ही नाम भागवत है। श्याम ने ऐसी बंसी बजाई सबने अपनी सुध बिसराई गोप गोपियां भाग के आई गोप गोपियां भाग के आई लोक लाज कछु काम न आई अब होगी प्यार की जीत दुनिया का जाए।
गई कहीं आना जाना, भूल गई कहीं आना जाना, सारा जग लागे बेगाना, सारा जग लागे बेगाना, अब तो केवल श्याम को पाना, अब तो केवल श्याम को पाना, रूठ जाए तो उसे मनाना, 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 मैं तो गाऊं, मैं तो गाऊं, मैं तो गाऊं खुशी के गीत दुनिया क्या जाने, मैं तो गाऊं खुशी के गीत दुनिया क्या जाने, मेरी लगी जान संग प्रीत दुनिया क्या मुझे मिल गया, मुझे मिल गया, मुझे मिल गया मन का भी ते दुनिया क्या जाने, मुझे मिल गया मन का भी ते दुनिया क्या जाने, लगी जाम संग प्री ते दुनिया क्या जाने, लगी जाम संग प्री ते दुनिया क्या जाने, लगी जाम संग प्री ते दुनिया क्या जाने, दुनिया क्या जाने, ओए होए ये 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 दुनिया को उपदेश थे देवूति मैया भगवान में ही समा गई। प्रसंग हमारा चल रहा है भागवत कथा के माध्यम से। तीन बेटियां हुई थी मनु महाराज के, आकूति देवहूति और प्रसूति। सबसे छोटी बेटी प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति के साथ हुआ, 60 कन्याओं का जन्म हुआ। सबसे छोटी बेटी सती शंकर जी को विवाहित हुई। यहाँ थोड़ा सा विषय आता है, सती ने छोटी अवस्था में ही, सती जी ने छोटी अवस्था में ही पति के आज्ञा का उल्लंघन करके पिता के यज्ञ मंडप में प्राण त्याग दिए। सब प्रचलित कथा है। तो यहां थोड़ा सा प्रश्न उठता है, आखिर सती ने प्राण क्यों त्यागे? इस पर दो प्रकार का विषय है, मैं आपको संकेत कर देता हूं। बच्चे ससुराल में है, आत्महत्या कर रही है, बहाना लोग सास का लगाते हैं, ससुर का लगाते हैं। संभवतः सास ससुर से तंग आकर के कोई बच्ची आत्महत्या नहीं कर सकती, वो तो बहाना है, क्योंकि आत्महत्या करने का मूल विषय होता है पति। सास भी अच्छे ना बोले, ससुर भी ना बोले, अगर पति प्रेम देता रहे बच्ची जीती रहेगी, और ससुराल का हर व्यक्ति प्रेम से बोले और पति ना बोले तो वो घुट घुट के जिएगी। बोलो राधे राधे। हो सकता है वो गलत कदम उठा ले। तो ऐसा सती के साथ तो था नहीं, शंकर जी तो बहुत प्रेम करते थे, और शंकर जी के किसी अपराध की वजह से अगर वो प्राण त्यागती तो मायके में क्यों मरी? ससुराल में मलती तो केस तो लगता शंकर जी में, मरी तो मायके में तो केस भी नहीं लग सकता। बोलो राधे राधे। तो आखिर इसके पीछे कारण क्या था? इसके पीछे कारण था, सती से एक अपराध बन चुका था। अपराध क्या था? एक बार भगवान शंकर के मन में कथा सुनने का विचार आया। क्या विचार आया? कथा सुनने का। और जब कथा सुनने का विचार आया तो शंकर जी ने कहा, फिर अकेले क्यों चले, सती को भी ले चले, क्योंकि धर्म के जितने भी काम है धर्मानुरूप काम कहे जाते हैं,
और पत्नी को भी धर्म पत्नी कहा जाता है। प्यार से बोलो राधे राधे। दुनिया में जितने भी रिश्ते हैं, जिन रिश्तों को बनाया जाता है वो धर्म से जुड़ जाते हैं, पर जो ओरिजिनल होते हैं धर्म से नहीं जुड़ते। पर पत्नी, वास्तविक पत्नी को भी धर्म पत्नी कहते हैं, बोले ये धर्म का भाई है, ये धर्म की बहन है, सारे रिश्ते बनते हैं। पर पत्नी तो जो वास्तविकता है उसी को धर्म पत्नी कहते हैं। इसका मतलब पत्नी विषय का साधन नहीं, पति पत्नी धर्म का साधन है। पत्नी धर्म के लिए बनी है। महाराज भगवान शंकर भी कथा सुनने चले तो साथ में सती जी को भी ले चले। एक बार जुग माई, एक बार ते युग माई, एक बार ते युग माई, एक बार ते युग माई, शंभ गए को वज्र से पाई, शंभ गए को वज्र से पाई। और कौन है साथ में? संग सती जग जननी भवानी, संग सती जग जननी भवानी, पूजे रे से अखे ले स्वर जानी, पूजे रे से अखे ले स्वर जानी। एक बार त्रेता युग माही, शंभ गए कुंभज ऋषि पाई। त्रेता युग की घटना है, भगवान शंकर सती के साथ कथा सुनने गए। संग सती, सम्मान देखिए, अगर स्त्री पति के साथ में सत्संग सुनने या धर्म करने जा रही है तो संत समाज भी सम्मान कर रहा है। संग सती जग जननी भवानी, जग जननी जगदम्बा मां भवानी, शिव की अर्धांगनी कथा सुनने जा रही है। पूजे ऋषि अखिलेश्वर जाने, शंकर जी को देख करके अगस्त मुनि ने उठ करके प्रणाम किया। अब प्रणाम करने में कारण क्या है? देखो बुद्धिमान लोग कुछ और लगाते हैं। अगर कोई संत किसी को प्रणाम कर ले, कोई ज्ञानी किसी को प्रणाम कर ले, पता क्या सोचते हैं मूर्ख लोग? आता जाता कुछ नहीं है ना, इसलिए पहले से प्रणाम करना जिससे हम इससे कुछ पूछे ना। बोलो राधे राधे। क्यों? अरे ये इतना बड़ा संत महात्मा है और हमें प्रणाम क्यों कर रहा है? अरे बाप रे, अगर कोई संत महात्मा तोते राधे राधे कर रहा है, जाको मतलब जे ना है कि वो तोते डरे, या को मतलब है कि तुम्हारे अंदर जो राधा गोविंद विराजमान है वो उसको प्रणाम कर रहा है। मैं व्यास गद्दी पर बैठ करके मानता हूं आप श्रोताओं को प्रणाम नहीं करूं, पर आपके अंदर बैठे तो राधा गोविंद में उनको तो प्रणाम कर सकता हूं, मुझे अधिकार है। सबके अंदर दिव्याति दिव्य राधा गोविंद ने रूप लेकर के विराजमान है तो सबको प्रणाम। अगस्त जी ने प्रणाम तो इसलिए किया, अखिल कोट ब्रह्मांड नायक भगवान साम सदा शिव मेरे सामने आए हैं। लेकिन सती होशियार की बेटी है ना दक्ष की, वो दक्ष की बेटी का संस्कार पिता का असर बच्ची पर आ गया और एकदम मन में सोचा बाबा डर गया हमको देख करके, सो पहले से ही पैरों में पड़ गया। शंकर जी समझ गए, वाह क्या बात है, इतने बड़े महात्मा, हम कथा सुनने आए हैं, चलो अच्छा है भी कथा में नहीं बैठे, धन्य हो महाराज आप व्यास गद्दी पर विराजमान हो। अगस्त जी ने कहा क्या बात है? बोले कथा सुनना है। आप कथा सुनेंगे? अरे आप तो कथा के स्वयं वक्ता हो। बोले क्या वक्ता कथा नहीं सुन सकता, हमारा दिल है सुनना चाहते हैं, सुनाइए आप। प्रभु आपको कथा सुनाऊं? हाँ ठीक है। शंकर जी की आज्ञा पाई, अगस्त मुनि ने बढ़िया राम की कथा सुनाई। राम कथा मुनि पर जे बखानी, राम कथा मुनि पर जे बखानी, महेश परम सुख भानी, सुनी
महेश परमेश राम कथा मुनि भरज बखानी। अगस्त जी ने राम की कथा सुनाई और सुनकर को भोलेनाथ को बहुत अच्छी लगती। जो राम प्रिय होता है, कृष्ण प्रिय होता है, श्रद्धालु भक्त होता है, उसे कथा बहुत अच्छी लगती। उसे ये मतलब नहीं होता कौन कर रहा है कौन नहीं कर रहा, कथा तो भगवान की कर रहा है, वो खुश हो जाता है। भगवान शंकर खुश हो गए, लेकिन श्रोता तो दो थे, खुश एक ही क्यों हुआ, दूसरे का खुशी क्यों नहीं मिली? तो ध्यान देना आप लोग, सुनी महेश परम सुखमानी, खुशी उसी को मिलेगी कथा में जो सुनेगा, और जो नहीं सुनेगा तो उसे क्या खुशी मिलेगी, सती ने सुनी ही नहीं। अब आप सोच सकते हैं चार घंटे बैठी नहीं पांडाल में लेकिन सुनी नहीं कथा, ये भी हो जाता है कभी कभी। ध्यान से सुनना, प्यार से बोलो राधे राधे। बैठे बैठने में कई कारण हो सकते हैं, भाई महाराज हैं, इतनी दूर से बुलाया है, आए हैं तो कथा में तो बैठना पड़ेगा, नहीं बैठेंगे तो कहेंगे भैया आए भी तुम, सात दिन रहे भी तुम, और कथा तो तुमने सुनी ना, फिर यहां आने का फायदा क्या हुआ? तो कुछ इसलिए बैठते। भगवान शंकर पूरी ध्यान से सुने, सती ने नहीं सुनी, कथा विश्राम हो गया तो भगवान शंकर ने कहा देवी सती चलो कथा का पूजन कर लें। सती जी ने कहा सुनिए, ना तो मुझे तुम्हारे कथा पर भरोसा, ना तुम्हारे कथावाचक पर भरोसा, और न कथा पर भरोसा, तो मैं पूजन कैसे कर सकती हूं? क्यों? कि पहले तो कथावाचक हमसे डर के प्रणाम कर रहा है, दूसरा वो कथा भी उसकी कर रहा है डरपोक राम की। क्या हाँ, वो राम कैसे भगवान हो सकते हैं जिनकी सीता का हरण करके रावण ले गया राम घटघट वासी, उन्हें सब पता है, एक क्षण में जाते रावण को मार के सीता को लाते, फिर घंटों रोने की क्या जरूरत पड़ी थी? इसलिए मेरी श्रद्धा बिल्कुल नहीं है, मैं प्रणाम नहीं कर सकती। शंकर ने बहुत समझाया लेकिन सती की समझ में नहीं आया। भगवान शंकर ने सोचा घर का झगड़ा बाहर ना जाए, चलो चुपचाप हम ही झगड़ा पूजन कर लेते। शंकर जी उठे और महात्मा का पूजन किया और प्रणाम करके विदा मांगी। मुनि सन विदा मांगे त्रिपुरारी, मुनि सन विदा मांगे त्रिपुरारी, चली संग दक्ष कुमारी, चली संग महात्मा से विदा मांगी और भगवान शंकर चले। जब शंकर जी के साथ में सती आई कथा सुनने तो क्या लिखा था? संग सती जग जनन भवानी। और जब लौट के जा रही है तो क्या लिखा है? अब भवानी नहीं है, अब जगदम्मा नहीं है, तो दक्ष कुमारी है। संत समाज अपमान भी बहुत जल्दी कर देता है। अगर कथा सुनने जा रही है तो भवानी है, पर कथा पर जो भरोसा नहीं करती है तो अभिमानी है। दक्ष कुमारी माने अभिमानी है, तो अभिमानी व्यक्ति का मन कथा में कभी लग नहीं सकता। बोलो राधे राधे। सती शंकर लौटे, प्रभु की लीला जैसा दृश्य देखा सुना वैसा सामने दिखाई दिया। भगवान राम सीता जी के लिए रो रहे हैं, सीता हरण हो गया। आकाश मार्ग में शंकर जी ने देखा, जय सच्चिदानंद घन श्री राम करता हूं प्रणाम। सती जी बोली किसको प्रणाम कर रहे हो? आप भी ना, त्रिलोकी नाथ खुद, पर किस किस को प्रणाम करते रहते हो? देखो साधारण मानव, इतनी भी शक्ति नहीं है कि सीता को ला सके, हैं? और इतना साधारण है, इतना सीधा है तो छोड़ के क्यों गया? और इतना ही डरपोक है, रावण का पता करके भी नहीं लड़ने जा रहा है, सहायकों को ढूंढ रहा है, तो फिर घर से ही क्यों निकला? शंकर जी ने कहा देवी सती तुम्हारा भ्रम है, ये राम ब्रह्म नहीं है, ये ब्रह्म है। तुम्हारा ये भी भ्रम है कि सीता इनसे अलग है, ये भी भ्रम है, सीता इनसे कभी अलग नहीं हो सकती। तो ये क्या है? ये सब लीला है, और लीला में जो अभिनय मिलता है वो अभिनय करना पड़ता है। जैसे आप एक ही बात ले लेता हूं, जैसे कोई मूवी होती है उसमें कभी कभी सुपरस्टार हीरो को भी एक बेटर के काम करने का रोल मिल जाता है, तो वो भी करता है कि नहीं? बोलो, क्या वो हकीकत में बेटर की नौकरी करने लायक है?
नहीं है ना, लेकिन जो रोल मिला है वो, और जितना अच्छा निभा लेगा वो रोल को, उतना ही उसका सुपरहिट फिल्म हो जाएगी। ठीक इसी प्रकार से ब्रह्म परमात्मा ने समाज में एक चरित्र को प्रचलन करने के लिए, लोगों को धर्म से जोड़ने के लिए, लोगों की शिक्षा की हिम्मत देने के लिए रामलीला का निर्माण किया, और उस निर्माण में राम राम बनकर के भगवान नारायण पधारे और सीता बनकर के लक्ष्मी जी आई। अब इनको अभिनय मिला है कि थोड़ा तुम्हें अलग जाना पड़ेगा, हकीकत में सीता का हरण नहीं हुआ, हकीकत में सीता जी तो अग्नि में है, सीता का फोटो की चोरी हुई है, ध्यान से सुनना। अब फोटो की चोरी हुई है, राम जी फिर क्यों रो रहे हैं? बोले लोगों को दिखाना है, लोगों को बताना है कि अगर जंगल में आप अपने साथ में पत्नी को ले गए हैं तो जैसी गलती मैंने करी है भूल से तुम मत करना, बोलो राधे राधे। अगर तुम करोगे तो जैसे मुझे रोना पड़ रहा है ऐसे तुम्हें भी रोना पड़ रहा है पड़ेगा। मेरे समय में तो एक ही रावण है और कलयुग में तो न जाने कितने रावण होंगे, कब तुम्हारी सीता को लेके चले जाएं, इसका कोई भरोसा नहीं है। इसलिए कथा के माध्यम से सुरक्षित रहने के लिए भगवान शिक्षा दे रहे हैं। सती जी ने कहा चलो जी तो शिक्षा हो गई, अब जो पेड़ों से चिपक चिपक के रो रहे हैं ये काहे की शिक्षा है? भगवान शंकर बोले देवी सती ये भी शिक्षा है, इसका भी कारण है कुछ, ये वृक्ष साधारण नहीं है, ये बड़े बड़े त्यागी, बड़े बड़े ज्ञानी, बड़े बड़े मुनि, बड़े बड़े वेदों की ऋचाएं, वेदों के मंत्र इस बन के वृक्ष बन के आए, ये भगवान का स्पर्श चाहते हैं। स्पर्श करने का कोई और रास्ता तो था नहीं, अगर भगवान वैसे स्पर्श करेंगे लोग पागल कहेंगे, अब दुख में स्पर्श कर रहे हैं तो लोग कहेंगे देखो कितने दुखी हैं, वृक्षों से भी लिपट लिपट के पूछ रहे हैं, ये तो पूछना बहाना है, इन ऋचाओं को सुख देना है अपने स्पर्श का। हर चीज का भावार्थ शंकर जी ने समझाया, इतनी कथा सुनाई लेकिन सती की समझ में नहीं आई। दुनिया में तीन को समझाना बहुत कठिन है, प्यार से बोलो राधे राधे, नेक जोर से बोलो। पहला घर के भाई को बहुत कठिन काम है, दुनिया की पंचायत तोड़ोगे आप, लेकिन घर पे आन पड़ेगी तो उलझ गई गिर पड़ोगे, कोई रास्ता नहीं है समझाने। एक घर के पड़ोसी को, वो जानता है तुम कितना भी ज्ञानी बन जाओ, वो जानता है हमारी गली में मिट्टी खाते डोलता रहता था, तो घर के भाई को समझाना कठिन, पड़ोसी को समझाना कठिन, और तीसरा है बोलो राधे राधे, तीसरा नहीं मालूम, ठीक है भैया अपनी कमी कौन बतावे, ये तो पुरुष का ही दिल होता है जो अपनी कमी बता देता है, बोलो राधे राधे। तीसरी देवी जी को समझाना भी बहुत कठिन, और हमारे और आपकी तो बात क्या, शंकर जी हार गए, और शंकर जी के कितने मुख हैं, बोलो मेरी आवाज आ रही है, पांच मुंह, और जब ये पांच मुंह वाला नहीं समझा पाया तो एक मुंह वाले की क्या बस की बात है, पांच मुख हैं, और वो भी सती जी को समझा नहीं पाए, आखिरी में उनने भी हाथ खड़े कर दिए, देवी सती मैं नहीं समझा पाऊंगा मैं हारा, तो मैं क्या करूं, तो शंकर जी ने स्पष्ट कह दिया जो तुम्हारे मन से संदेह हो, जो तुम्हारे मन तो संदेह हो, तो तीन जाए परीक्षा जय सिया राम जय जय सिया राम, ओ जय सिया राम जय जय जो तुम्हारे मन संदेहू तो किन जाए परीक्षा। चलो पति ने गुस्से में आके कह दिया जाओ परीक्षा ले लो, तो पत्नी का धर्म नहीं होता कि परीक्षा लेने जाए, गुस्से में ही तो कहा। और सती जी चल भी दी, मानी नहीं भोलेनाथ की, चली किसकी परीक्षा लेने चली, मैं अपराध गिना रहा हूं सती की गलतियां, आज्ञा का उल्लंघन, बात नहीं मानना,
कथा नहीं सुनना, कथावाचक का पूजन नहीं करना, और आज परीक्षा लेने चली, और किसकी चली? राम की। राम कौन होते है पता है? शंकर के पिता है राम। तो सती के कौन हुए? अब बहू का धर्म है ससुर की सेवा करना, परीक्षा लेना नहीं। बोलो राधे राधे। गलती है कि नहीं बताइए? चलो कोई कोई बहू ज्यादा होशियार होती है, ससुर की भी परीक्षा ले लेती है, तो परीक्षा लेने की पद्धति गलत। ससुर की परीक्षा ले रही है सास का भेष बना करके, ये अपराध है। सती जी ने कौन सा भेष बनाया? सीता जी का भेष, अपराध है कि नहीं? सती जी ने सीता का भेष बनाया, वन में जाके बैठ गई, सामने से राम आ रहे हैं। क्यों? असली राम होंगे तो पहचान जाएंगे, नकली होंगे तो मुझे सीता समझ लेंगे, सो ही नंबर दे दूंगी, 0 फेल। परीक्षा लेने आई विद्यार्थी। भगवान राम दूर से आ रहे थे, लक्ष्मण को तो एक बार लगा, मां। तो जैसे कि आपने बताया, राम ने कहा सावधान, परीक्षा हो रही है लक्ष्मण। लक्ष्मण बोले प्रभु सही है, अगर ये मां होती तो इतनी देर बैठी नहीं रहती, जैसे हम तड़पे वो भी दौड़ के आती, तो यही काम बन गया। राम जी पास में गए, दोनों हाथ उठा के प्रणाम किया। जोरी मान प्रभु की ने प्रणाम, जोरी मान प्रभु की ने प्रणाम, दोनों हाथ पिता समेत लीन निज नाम, पिता समेत लीन निज नाम, ओ जोरी पानी प्रभु कीन प्रणाम, ओ जोरी पानी प्रभु कीन प्रणाम, ओ पिता समेत लीन निज नाम, पिता समेत लेने जना, जय सिया राम, जय जय सिया राम, ओ जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। प्रभु कीन प्रणाम, दोनों हाथ जोड़ करके प्रणाम किया, मैं दशरथ नंदन राम करता हूं प्रणाम। देखो पद्धति क्या है, पिता समेत लीन निज नाम, पिता का भी नाम लिया साथ में, मैं दशरथ नंदन राम करता हूं प्रणाम। किसी ने कहा पिताजी के नाम लेने की क्या जरूरत पड़ी? तो मानो भगवान कहना चाहते हैं, परीक्षा में आए हैं ना, एक नाम के बच्चे और भी हो सकते हैं क्लास में, पिता का नाम जोड़ेंगे तो कंफर्म रहेगा कि हम ही राम हैं। राम बहुत हो सकते हैं, कौन से राम, कैसे राम, कहां के राम, इसलिए दशरथ नंदन राम, ब्रह्म राम नहीं, मैं दशरथ नंदन राम करता हूं प्रणाम। सती को इतने में समझ लेना चाहिए, अगर मुझे ये सीता मानते तो प्रणाम नहीं करते, इसका मतलब ये ब्रह्म है और साधारण मानव का परिचय दे रहे हैं और प्रणाम भी कर रहे हैं, दोनों साथ एक साथ उलझा दिया सती जी को। सती जी चक्कर में पड़ गई, ये क्या है, भगवान राम बिल्कुल परीक्षार्थी विद्यार्थी बन के गए, साधारण तरीका से प्रणाम किया। अब नियम क्या है, बच्चा जब क्लास में आ गया, टीचर सामने है तो प्रश्न पत्र उसको दिया जाए, लेकिन राम तो ऐसे विद्यार्थी हैं, पेपर देने की सती को जरूरत ही नहीं पड़ी, पहले से ही इनको पता है कि आने वाला क्या है। बोलो राधे राधे। अच्छा उत्तर पुस्तिका मिलती है, पेपर 5 मिनट बाद मिलता है, पेपर जब देते हैं परीक्षा में हमने देखा है, पहले कापियां मिल जाती है, पेपर तो घंटा बजने के बाद ही मिलेगा, कापियां 5 मिनट पहले भी मिल जाती हैं। तो होशियार बच्चे देखे हमने जो क्या करते हैं, जब तक पेपर आता है मान लो पीछे बैठा, अब आगे से एक एक बढ़ते बढ़ते आएगा तो 5 मिनट लग जाएंगे, तब तक वो पेपर कापी में वो चीज करता है बगैर पेपर के करता है, अब उसे कैसे पता होता क्या करना है। तो या तो दो प्रकार से लोगों को पता हो सकता है, या तो उसको पेपर आउट हो गया उसे पहले से पता है सब वही लिख रहा है, या फिर इतना दिमाग रखता है जैसे हिंदी का पेपर है तो एक निबंध तो आएगा, एक काम करते तब तक अपन निबंध लिख देते प्रश्न बाद में देख लेंगे, तो ऐसा हो सकता है। अब राम जी के सामने क्या है, पेपर दिया नहीं है और राम जी ने उत्तर पहले दे दिया। बिपिन अकेली फिर रही के ही
अकेली फिराई कई हेतु। देखो भगवान राम ने बहुत जोरदार उत्तर दिया, प्रश्न नहीं मिला उत्तर पहले ही। विपिन माने बगीचे में अकेली क्यों घूम रही हो? विपिन अकेली, ब्रज केतु भोलेनाथ कहा है? भगवान राम कहना चाहते हैं सती जी तुम्हें पता है शंकर के विवाह की कथा समाज के विवाह में सुनाई जाती है, इनको वचन दिया जाता है, धर्म मार्ग पर चलने का तुम्हारा ही प्रमाण दिया जाता है, और तुम ही उल्टे रास्ता पर चल रही हो। विपिन माने जंगल में अकेली घूम रही हो, जबकि हमारे यहां शादी विवाह में पहले 7-5 वचन होते थे। आजकल तो ना पंडित जी पे फुर्सत ना दूल्हे राजा पे फुर्सत। अगर पंडित जी चिल्ला भी रहे ना तो संग वाले तो कुछ सुन भी लेंगे, दूल्हा तो कतई नहीं सुनता ना दुल्हन भी नहीं सुनती। जबकि पहले बड़े ध्यान से वचन सुनाए जाते थे, सुनने पड़ते थे। तो पति अपनी पत्नी से वचन लेता था, पता है क्या? उद्याने मध्यपाने पिताग्रह गमनम तथा, उद्यान माने बगीचे में भी तुम अकेले नहीं जाओगे, जहां लोग मदिरा पी रहे होंगे तुम नहीं जाओगे। पिताग्रह गमनम तथा, अपने मायके भी मेरी बगैर मर्जी के, मम चित्तम मम वृत्तम, मैं जितना वृत्त धन कमाऊंगा उसी में तुम्हें खर्चा चलाना पड़ेगा, मेरे चित्त के अनुसार तुम्हें काम करना पड़ेगा, यह शर्त रखता था। पत्नी इनको मंजूर करके वचन देती थी, हाँ आपने जो शर्त रखी मुझे मंजूर है, मैं सब इसी प्रकार निभाऊंगी, लेकिन मेरा भी वचन है। क्या आप मेरे मांग में सिंदूर भर रहे हैं? इस मांग को सिंदूर मत समझना, मेरी मांग भरने से हर मांग पूरी करनी पड़ेगी। बोलो राधे राधे। मांग भरने का मतलब मांग पूरी करनी पड़ेगी। पति घबराया, पता नहीं क्या मांग करेगी। पत्नी बोली डरो मत, मेरी मांग होगी धर्म के रास्ते पर चलना, आपको मेरे साथ चलना पड़ेगा। तब पति को सांस आती है, चलो गंगा नहाने की कहोगे नहा लेंगे। बोलो राधे राधे। तो ये दोनों रिश्ते होते थे। तो उद्यान, उद्यान माने बगीचे में, अब बगीचे तो रहे नहीं, अब शहरों में बगीचे की जगह पार्क बन गए। बोलो राधे राधे। पार्क बन गए ना बड़े अच्छे अच्छे, तो पार्क में अकेली नहीं जाओगी। बोलो संभव है? बोले पार्क में ही जाए और अकेले नहीं जाए तो फायदा क्या है? बोलो राधे राधे। तो सारी स्थिति गड़बड़ा गई। भगवान राम ने सती जी से कह दिया कि तुम जंगल में अकेली क्यों घूम रही हो? और ब्रश केतु माने, ब्रश माने बैल, केतु माने सवार करता, बैल पर जो सवारी, बैल का ही नाम क्यों लिया राम जी ने इस समय? मानो राम कहना चाहते बैल धर्म का प्रतीक है, और जो धर्म पर सवारी करके चलता है और उसकी पत्नी अधर्म पर चले, ये कहां का न्याय है? कहे बहोर कहां ब्रस केतु, आखिर वो धर्मात्मा कहां चला गया जो तुम उल्टी रास्ता पर चलिए? सती जी स्तब्ध हो गई, कुछ नहीं हुई, क्या करें? सती जी चुपचाप बैठी थी, घबराई, आई तो परीक्षा लेने, लेकिन खुद ही फेल हो गई, डर के मारे भागी। जैसे भागी तो सामने राम लक्ष्मण जानकी। सती बोली सीता कहां से आई? फिर दौड़ के दूसरी तरफ भागी तो राम लक्ष्मण सीता। सती जी को लगा कहीं सीसा तो नहीं लगा, मेरा फोटो दिख रहा हो क्योंकि मैं सीता बनी हूं। फिर तीसरी तरफ देखा तो वहां राम लक्ष्मण जानकी, चारों तरफ सती जी को तीनों तीनों दिखने लगे। राम में सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जुग पानी। राम में सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जुग पानी। राम में सब जग जानी, ओ राम में सब जग जानी, करहु प्रणाम पानी। सी राम मैं सब जग जानी, सारा संसार सी राम मैं दिखने लगा। सती जी घबराई, दोनों घुटनों के बीच में मुंह छुपाया, हे प्रभु क्षमा करो, भगवान अंतर ध्यान हो गए।
अब सती जी लौट रही हैं, मन में डर है। इस बात का डर नहीं कि मैंने परीक्षा क्यों ली, डर इस बात का है अब मैं उनसे जाके क्या कहूंगी। किनसे? उनसे। बोलो राधे राधे। यही डर है मन में और क्या। गई समीप महेश तब हंस पूछी कुशला लीन परीक्षा कबन विधि सत्य कहो सब लीन परीक्षा कबन विधि सत्य कहो सब। सती जी शंकर जी के पास पहुंचे, प्रणाम किया, भगवान ने मुस्करा करके पूछा कुशल मंगल। सती को इतने में ही समझ लेना चाहिए कुशलता पूछने की क्या जरूरत है। कुशलता तो बरसों में मिलते तब पूछी जाती है, ये तो अभी 10 मिनट पहले साथ में ही तो थी। लेकिन सती जी का चेहरा कह रहा था ये कुशल से, इसलिए शंकर जी ने कहा आखिर पति है तो चिंता रहेगी। हंस पूछी कुशल कुशल लीन परीक्षा कवन सत्य कहो सब बात। भगवान शंकर ने कहा कैसे परीक्षा ली सही से बताना। शंकर जी ने जब ये सत्य कहो बात कही ना सही से बताओ, इसका मतलब सती जी का झूठ बोलती थी जो भगवान शंकर ने बगैर बात कही कह दिया। बोले बोलती नहीं थी पर अब बोलने जा रही थी, इसलिए शंकर ने पहले से सचेत कर दिया कि सही बोलना। इतनी 3 बार संकेत किया कि सत्य बताना, हो सकता है सारे अपराध खत्म हो जाएं। लेकिन सती जी हैं कि फिर भी नहीं मानी और 8वीं गलती कर बैठी, भोले बाबा से छुपा करके झूठ बोल बैठी। किससे? जो त्रिभुवन गुरु वेद बखाना, जो तीनों लोगों का गुरु है, भावी को भी मेंट सकता है, ऐसी किसी और में क्षमता नहीं है भाग्य बदलने की भोलेनाथ के अलावा। और ऐसे भोलेनाथ से सती जी ने स्पष्ट शब्दों में झूठ बोल दिया। कछु न परीक्षा लीन गोसाई, कछु न परीक्षा लीन गोसाई, तीन प्रणाम तुम्हारे चुना परीक्षा। मैंने कोई परीक्षा नहीं ली तो क्या किया? बोले जैसे तुम प्रणाम करते थे वैसे ही प्रणाम कर लिया। शंकर जी को थोड़ी शंका हुई, मैंने 10 बार कहा प्रणाम कर लो, एक नहीं मानी, और वहां जाके प्रणाम करके आए, ये कैसे संभव हो सकता है? भोलेनाथ डांट के भी पूछ सकते थे, लेकिन भोलेनाथ ने कहा लड़ाई बाद में, पहले सच्चाई जानो गहराई तक जाकर के। हकीकत में अपराधी है तो लड़ो, नहीं तो किसी के कहने से किसी ने कान भर दिया, गृहस्थी में लड़ाई नहीं करना चाहिए। संसार में कोई किसी से कभी भी कुछ भी कह दे हम मान लें, पर सुंदर से घर परिवार को आग लगा करके राख कर दें, सावधान। शंकर जी के सामने सब कुछ था, लेकिन समाज को बताना चाहते हैं जल्दी से गलत चीज पर भरोसा करके झगड़ा खड़ा मत करो, अंत तक जाओ, तह तक जाओ, और दोष समझ में आए तब बताओ, अन्यथा अंदर पी जाओ। भोले बाबा ने ध्यान लगाया, तब देखो शंकर दर ध्याना, तब देखो शंकर दर ध्याना, कछु चरित्र कीन सब जाना, जो कछु चरित्र कीन सब जाना। मेरे भोले बाबा ने ध्यान लगाया, सब कुछ जान गए। क्या जान गए? सती जी ने सीता का भेष बनाया, बस और कुछ नहीं जाने। बोले सब अपराध क्षम्य हैं, और यही अक्षम्य है। क्यों?
सती सीता मेरी माँ है, और जिस स्त्री ने माँ का रूप बना लिया मैं उसको पत्नी मान ही नहीं सकता। यह तन सती भेंट मोहे नाय, यह तन सती भेंट मोहे नाय, शिव संकल्प की न मन माई, शिव संकल्प की न मन माई। इस शरीर से मैं सती को स्वीकार नहीं करूंगा, क्योंकि सती अब पत्नी नहीं। सन्मुख शंकर आसन, सामने आसन दे दिया। सती भी समझ गई, इन्होंने मुझे त्याग दिया, अब क्षमा मांगने से भी कोई फायदा नहीं है। सती अब सोचने लगी, जब इन्होंने मुझे त्यागा तो मैं शरीर त्यागूंगा, इनके बगैर मैं भी नहीं रह सकती। देखिए प्रेम है, मैं भी शंकर के बगैर नहीं रह सकती, इन्होंने त्याग दिया मैं शरीर त्यागूंगी। फिर सती होशियार के बेटी दिमाग लगाया, अगर अभी मरूंगी तो दोष शंकर के माथे आएगा, जबकि उनका अपराध दूर दूर तक नहीं है, तो मैं इनको दोष क्यों दूं? मरूंगी तो जरूर, लेकिन भोले को दोषी नहीं बना सकती। इंतजार कर रही थी कब वो घड़ी आए जिसमें मुझे प्राण त्यागने का मौका मिले। सोई आ गया समय, दक्ष ने यज्ञ रचाया, शिव का उसमें अपमान किया गया, सती को नहीं बुलाया। शंकर ने भी रोका, देवी मत जाओ, मेरी तो बिल्कुल इच्छा नहीं है, तुम अपने घर जाओ। वाह, पिता के घर नहीं जाओ, बुलाया नहीं है तो क्या मतलब, भूल गए होंगे या कार्ड आया होगा या तुम्हारे भूत प्रेतों ने कार्ड फाड़ के फेंक दिया होगा। कोई भी बच्ची अपने माँ बाप की कमी नहीं सुन सकती। बोलो राधे राधे, गलती तुम्हारी है, तुमने ऐसे गण जो रखे, पर ऐसी जगह पहाड़ों पर रह रहे हो, अरे रहना चाहिए समतल भूमि पर, चिट्ठी देने वाले आराम से तो आ सके। सारी गलती भोलेनाथ की, भोले बाबा मैं जानू मेरी गलती है, तुम्हारे पति पिताजी तो दूध के धुले हैं, पर बुलाया नहीं। क्यों नहीं बुलाया? कुछ जगह ऐसी भी होती है बगैर बुलाए भी चले जाना चाहिए। हाँ देवी सती, ये तुमने ठीक कहा, मैं कह रहा हूं चार जगह ऐसी है जहां बगैर बुलाए भी जाना चाहिए, पर वहां हमारे जाने से अगर उनको खुशी मिले तब। कभी कभी ऐसा होता है, एक के यहां शादी है, उसका मित्र पूरी मेहनत कर रहा है, कार्ड छपाया, अपनी गाड़ी से कार्ड लगवाए, सारा सामान खरीदवाया, और संयोग ऐसा आया कि वो घर का मालिक उसी को कार्ड देना भूल गया। हो जाता है ऐसा, पर उसको लगा वो गलती से भूल गया है, क्योंकि मुझसे बहुत प्रेम करता है, नहीं नहीं मैं तो जाऊंगा। और अब वो अगर चला जाता बगैर कार्ड के, महाराज उसका मित्र जो शादी वाला है गदगद हो जाएगा, अंदर अंदर झुलसेगा, मेरी तो बहुत बड़ी गलती हो गई, भैया तूने मेरी लाज रख ली, आज तू नहीं आता तो मैं अपने आप को कभी क्षमा नहीं कर पाता। अगर आपके साथ ऐसा कोई व्यवहारी है तो आप बगैर कार्ड के भी जा सकते हैं, लेकिन हमारे जाने से अगर सामने वाले का खून जलने लग जाए, वो घबराने लग जाए, ये क्यों आया, सावधान, ऐसे घर में सोने की बारिश हो तो भी मत जाना, भूखे रह लेना, बिल्कुल दर्द की जगह बिल्कुल नहीं। आवत ही हर से नहीं, नैन नहीं सने, आवत ही हर से नहीं, नैन नहीं सने, तुलसी कहाँ न जाए, तुलसी बाण जाए, जय कंचन भर से है, तुलसी बाण जाए, कंचन भर से है। अगर हमारे जाने से सामने वाले को कष्ट होता हो तो कितना भी खास हो मत जाओ। आपको याद आए बैठ के कोने में रो लेना, लेकिन सामने वाले को दुख देने और अपने आप को रुलाने मत जाओ। वैसे तीन चार जगह ऐसी हैं, गुरु के घर इंतजार नहीं करना चाहिए कि गुरुजी बुलाएंगे तभी जाएंगे, बगैर बुलाए जाना चाहिए। पिता के घर, पिता संकट में पड़ा है, कोई तुम्हें लेने आने वाला नहीं है, संकट में पिता निकल रहा है, गुजर रहा है, अगर हमें पता पड़े तो इंतजार मत करो, पिताजी का टेलीफोन आएगा तभी हम उनको डॉक्टर के ले जाएंगे। तुरंत बगैर बुलाए एक क्षण में पहुंच जाओ और उनकी समस्या का समाधान करो, ये धर्म कह रहा है। पिता का घर, गुरु का घर और पति का घर, बच्ची मायके में आई है और पति संकट में है,
तो इंतजार मत करो कि कोई लेने आएगा तभी जाऊंगी मैं, अकड़ दिखा करके बगैर लिए तो नहीं जाना है। अरे संकट से गुजर रहा है, छोड़ो इस अकड़ को, दौड़ के चले जाओ। इसके अलावा जहां प्रेम मिले वहीं जाओ, अन्यथा अपना घर हम भले और हमारे ठाकुर जी भले। जहां सुख किसी को हमसे खुशी ना हो बिल्कुल मत करो। अरे व्यवहारिकता तो मीराबाई कहती थी ना, भूल गई सब आना जाना, सारा जग लागे बेगाना, अब तो केवल श्याम को पाना, रूठ जाए तो उसे मनाना। पंजाबी में भजन आता है, जग रुस्ता तो रुस्ता लाख बार, दुनिया रूठे तो रूठ जाए, मैंने मुझे तो श्याम से प्रेम। तो कहने का मेरा तात्पर्य सीधा सीधा है, किसी भी स्थिति में किसी भी परिस्थिति में शंकर जी ने सती जी से कहा तुम्हारा वहां प्रेम से सम्मान नहीं होगा, तुम्हें दुख मिलेगा, लेकिन सती नहीं मानी, चली गई। परिणाम शंकर जी का भाग नहीं दिखा, सब लोग टेढ़े मेढ़े मिले, व्यंगात्मक शब्दों में मिले, सती ने देह त्याग दी। लेकिन सती ने मरते समय एक वरदान मांगा, सती मरत हरि सत वर मांगा, सती मरत हरि सत वर मांगा, सती मरत हरि सत वर मांगा, सती मरत सती भरत हरि सत मांगा। मरते समय भी भगवान से एक ही वरदान मांगा, अगर पुनर्जन्म हो तो शिव की ही सेवा मिले। अगर शिव से दुखी होती तो दूसरे जन्म में भी शंकर जी को ही पाती क्या? बोलो, नहीं पाती। तेही कारण हिमगिर ग्रह आई, अंत में जिसका नाम लोगे अगले जन्म में मिलेगा। जन्मी पार्वती तनु वही सती पार्वती बनकर के आई और शंकर जी से विवाह हुआ। ऐसे मैंने आपको दक्ष की सबसे छोटी बेटी सती के पावन चरित्र को सुनाया। इस चरित्र से शिक्षा क्या लेना है? मैंने आपसे निवेदन किया ना, कथा से, हर कथा से शिक्षा है। किसी भी स्थिति किसी भी परिस्थिति को व्यक्ति को समझना चाहिए। पुरुष ज्ञान प्रधान होता है, अगर कोई समझ की बात कह रहा है तो महिलाओं को समझने का प्रयास करना चाहिए। बोलो राधे राधे, एक जोर से बोलो राधे राधे, राधे राधे। राजा मनु के दो बेटा थे, प्रियव्रत और उत्तानपाद। उत्तानपाद के यहां पर बेटा हुआ ध्रुव, लेकिन सौतेली मां ने उसको घर से निकाल दिया। ध्यान देना, आखिर ये सौतेली मां कौन है? ध्यान देना, ये हमारी वृत्तियां ही सौतेली है। जब हमारे जीवन में वृत्तियां गड़बड़ाती हैं तो सच्चाई से हमें वैराग्य, सच्चाई से हमें वैराग्य होता है। छोड़ो इसको, सच्चाई सामने रहेगी तो गलत करने से और डरेंगे, इसलिए सच्चाई को घर से निकालो। महाराज, उत्तानपाद के दो पत्नियां थी, सुनीति और सुरुचि। उत्तानपाद है जीव, आध्यात्मिकता में ही सुनते हैं। उत्तानपाद है जीव और उसकी दो पत्नियां सुरुचि और सुनीति। सुनीति शब्द का अर्थ है सुस्थिर नीति, यस्य सा सुनीति। और सुरुचि शब्द का अर्थ है सुरुचि, अपनी इच्छा से काम करें वो सुरुचि, समाज के चार ज्ञानी ध्यानियों से पूछ करके करें वो सुनीति। और जीव है उत्तानपाद, उत्तानपाद का अर्थ होता है उत्तंग पाद यस्य सा उत्तानपाद, उत्तंग पाद जिसके पैर ऊपर को और सिर नीचे लटकाओ। तो हम और आप सब उत्तानपाद है, जब माता जी के गर्भ में होते हैं तो उल्टे ही लटके रहते। हमारी बुद्धि है, बुद्धि दो प्रकार की है, सुरुचि और सुनीति।
एक बुद्धि कहती है अपने मन का काम करो, अपन को लेना देना किसी से कुछ नहीं। दूसरी बुद्धि कहती है नहीं नहीं, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, समाज की व्यवस्थाएं देख के चलना पड़ेगा, समाज क्या कहेगा। तो जहां सामाजिक धर्म को देख के चलेगा व्यक्ति तो बेटा होगा ध्रुव, और अपनी इच्छा से काम करेगा तो बेटा होगा उत्तम। लेकिन उत्तम नाम का बेटा सुरुचि का कुछ दिन के बाद मर जाता है, लेकिन ध्रुव आज भी अटल होता है, ध्रुव तारे के रूप में दिखाई देता है। बोलो राधे राधे। महाराज ध्रुव जी को घर से निकाला 4 वर्ष की अवस्था में मौसी जी ने, हे ध्रुव पिता की गोदी और गद्दी में बैठने के लिए इनका पिता होना आवश्यक नहीं है, मेरी मां होना आवश्यक है। मैंने जब इनसे शादी करी थी शर्त रखी थी मेरे गर्भ का बच्चा राजा बनेगा, इन्होंने कहा था हां, इसलिए तुम सपना मत देखो गद्दी पर बैठने का, मां मुझे यह पद कैसे मिल सकता है। तो सुरुचि ने कहा बेटा ध्रुव तपसाराध्य पुरुषम तस्यैवानुग्रहे गर्भे त्वाम साधयात्मानम् यदक्षसि नृपाशनम्। तपसाराध्य पुरुषम, आराध्य पुरुष नारायण की तपस्या करो और वो प्रसन्न हो जाए तो कहना प्रभु मुझे सुरुचि के गर्भ से जन्म दे दो। सुखदेव कहते हैं परीक्षित सावधान, संत और शास्त्र कहते हैं सत्कर्म करो गर्भ से बचो, पर ये बाबरी का कह रही है भगवान मिल जाए तो गर्भ का वरदान मांगो। भगवान मिलने के बाद कौन सा पागल होगा जो गर्भ का वरदान मांगेगा, भगवान को ही मांगेगा, मुक्ति मांगेगा। ध्रुव जी चले गए जंगल में, नारद जी ने गुरु दीक्षा दे दी क्योंकि बगैर गुरु के कल्याण नहीं होता है, और ये भी निश्चित है गुरु बनाओ जानकी और पानी पियो, किसी के कहने से गुरु नहीं बनाया जाता, लेकिन आत्मा स्वीकार करे तभी गुरु को वर्ण करना चाहिए। और ये भी निश्चित है कि गुरु बिन भवनिद तरहे न कोई, जो विरंच शंकर सम, चाहे वो शंकर जी जैसा ज्ञानी क्यों ना हो जाए बगैर गुरु के भव से पार नहीं हो सकता, इसलिए गुरु बनाना परम आवश्यक है। गुरु को बनाने से पूर्व पूरी तरीका से टटोल लेना चाहिए, अंतकरण से पूछना चाहिए क्या ये मेरा कल्याण कर पाएंगे, क्योंकि गुरु का अर्थ होता है गुकारो अंधकार रुकारस्थन निरोधका, जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए उसका नाम है गुरु। गुरु ये गंभीरता का वचन है, गुरु ये गुरुता, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरु हमारे जीवन में ब्रह्मा बनकर के सत्कर्म की सृष्टि करते हैं, विष्णु बनकर के हमारे धर्म का पालन करते हैं, और शिव बनकर के हमारे जीवन की बुराइयों का संहार करते हैं। इसे ऐसे गुरु हमारे लिए ब्रह्म है। मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा। गुरु का एक एक वाक्य हमारे लिए मंत्र होता है, गुरु की कृपा ही हमारी मुक्ति का रिजर्वेशन हो जाता है, इसलिए जीवन में गुरु बहुत आवश्यक है। गुरु त्यागने का विषय नहीं है, ध्यान। ध्रुव जी महाराज ने भी गुरु बनाए, इसलिए विषय आ गया, 2 मिनट का बता देता हूं। गुरु एक श्रद्धा का विषय, गुरु एक विश्वास का विषय, और गुरु बनाने के बाद फिर गुरु में दोष देखना भी नरकगामी बनाता है, ध्यान से सुनना। पूर्व में देखो, और दीक्षा लेने के बाद गुरु मंत्र लेने के बाद हम उसके ऋणी हो गए, उस ऋण से कोई नहीं पटा सकता, ध्यान देना। गुरु मंत्र का ऋण इतना बड़ा होता है
एक ही इच्छा है। गुरु त्यागेन भवेन मृत्यु। अगर हम गुरु को त्यागते हैं तो हम जीवित मरे हुए। गुरु त्यागे भवेन मृत्यु, मंत्र त्यागे दरिद्रता, गुरु मंत्र परित्यागी रौरवम नरकम ब्रजे। गुरु को त्यागने से हम जीवित ही मरे के समान। मंत्र त्यागने से जीवन में दृढ़ता आती है और गुरु और मंत्र दोनों का परित्याग करेंगे तो एक रुरु नाम का नरक है। उस नरक में जब तक हमें वास करना पड़ेगा तब तक आकाश में सूरज चांद है। बोलो राधे राधे। कोई इलाज नहीं है वहां से निकलने का, उसमें कीड़े काटते रहेंगे। इसलिए जीवन में याद रखें, गुरु बनाए जान के पानी पियो छान के, बनाना परम आवश्यक है। और ये भी ध्यान रखना, बनाने के बाद फिर दोष देखना महापाप है। प्यार से बोलो राधे राधे। संत सुखदेव जी कहते हैं ध्रुव जी को नारद जी ने गुरु दीक्षा दे दी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये भागवत का महामंत्र है, इसका जाप करना चाहिए। ओम माने ओम का स्वरूप परमात्मा, नमो माने उनके लिए नमस्कार है, भगवते माने जो छह गुणों से संपन्न है, और वासुदेवाय का मतलब जो सबके हृदय में वास करते हैं। ध्रुव जी महाराज ने 4 वर्ष की अवस्था में 4 महीने में भगवान को प्राप्त कर लिया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। तो ऐसा निश्चित नहीं है कि भजन आजकल के बच्चों से कहा जाए ना कि चलो कथा सुनेंगे, आप ही सुनो, ये तो बुढ़ापे का काम है। क्या कथा सुनना बुढ़ापे का काम है? ये भ्रम है हमका हमारा। मैं तो कहता हूं सारे काम जवानी के, बुढ़ापे का तो क्या गारंटी है? शरीर की कोई गारंटी है ना क्या, कल तक चलेगा कि नहीं चलेगा? हमें जगन्नाथ महाराज केदारनाथ जाना है पैदल यात्रा, बुढ़ापा आ गया, अब ऑक्सीजन भी कम, घुटने में भी दर्द, कंठ भी अवरुद्ध, कीर्तन नहीं कर पा रहे, सांस नहीं ले पा रहे। इसलिए सज्जनों जब जागो तब सवेरा। बल्कि मैं तो कहता हूं एक साथ पूर्णता नहीं मिल सकती, धीरे धीरे करते रहो। आप बचपन से ही अगर बैलेंस करोगे तो इकट्ठा बहुत हो जाएगा। आप सोचोगे बुढ़ापे में ही जमा कर लेंगे तो जमा से पहले कोई खत्म ही ना हो गए तो बैलेंस और कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए रोज करो। बिगड़ी जन्म अनेक की अब ही सुधरे आज। जन्म जन्मांतर की बिगड़ी बात को हम आज और अभी सुधार सकते हैं। सब वास्तविकता लक्ष्य के लिए आए। हम सोचते बुढ़ापे में कथा सुनेंगे, बुढ़ापे में कथा कराएंगे, ना 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 ना, अभी क्यों नहीं? अरे अभी बचपन तो खेलने कूदने के दिन होते हैं। अरे भैया यही तो भ्रम मिटाना है हमें जीवन में से। आप एक कपड़े को रोज धोगे तो ज्यादा मैला नहीं होगा। और हम सोचेंगे आज पहनने कुर्ता, 2-4 साल बाद धोएंगे, फिर क्या होगा? वो इतना मैला हो जाएगा कि साफ नहीं होगा, और ज्यादा बुरस मारोगे तो फट जाएगा। इसलिए सज्जनों बुद्धिमानी है, रोज धोते रहो। इसी प्रकार से ये शरीर भी एक कपड़ा है। संसार में इसको लेके हम आए हैं, इस शरीर को लेके पहने हैं। संसार में काम क्रोध लोभ मोह अहंकार राग द्वेष की गंदगी इतनी तेज गति से दौड़ रही है, इस कपड़े को मैला कर दिया है राम नाम रूपी साबुन से, कथा रूपी साबुन से। इस मैले शरीर को बार बार धोते रहो। अगर बहुत दिनों तक नहीं धोगे तो आखिरी में धोने की कोशिश करोगे तो भी नहीं धोएगा। इसलिए जब लगे
कि अब इसको साफ कर ले तो समय मिलते ही करते रहो, मौका मिलते इसकी सफाई भी जरूरी है, दंत मंजन जरूरी होता है ना, डॉक्टर भी कहते हैं रोज दंत मंजन करो, पतंजलि का दंत क्रांति बोलो राधे राधे है? तो दांत मजबूत रहेंगे। ठीक इसी प्रकार से आत्मरंजन भी जरूरी है। आप साबुन से शरीर का मैल धो लेते हो, सर्फ से कपड़े का मैल धो लेते हो, दांतों का मैल दंत मंजन से धो लेते हो, आत्मा पर तो मैल की परत चढ़ती चढ़ी जा रही है, कभी इसको धोने का सोचा कि नहीं सोचा। इसलिए जीवन में नित्य सत्संग करके आत्मरंजन भी करना चाहिए। कथा मनोरंजन नहीं है, ये आत्मरंजन है। आत्मा का मैल धोना भी बहुत जरूरी है। बोले आत्मा पर तो मैल आता ही नहीं है महाराज, अरे आत्मा के ऊपर परत चढ़ जाती है, क्योंकि आत्मा ही परमात्मा है। अब आत्मा के बीच में और जीव के बीच में एक दीवार मिट्टी की मैल की आ गई, जिस गंदगी के चक्कर में परमात्मा हमें दिख नहीं रहा, उस मैल को धोगे कि नहीं धोगे? बिहारी जी और हमारे बीच में पर्दा की दीवार है, पर्दा हटाओगे कि नहीं? गोस्वामी जी बोले नहीं हटाएंगे तो हम भी यहीं खड़े रहेंगे, हम जब तक नहीं मंदिर से निकलेंगे जब तक पर्दा नहीं हटेगी, क्योंकि ये पर्दा जो बीच में बाधा है वही तो हमें नहीं मिलने दे रही। सज्जनों ये शिक्षा है जिंदगी में, जीव और ब्रह्म दोनों के बीच में एक माया की गंदगी की पर्दा है, और जब तक जीवन में ये माया के मैल की पर्दा नहीं हटेगी तब तक जीव और ब्रह्म का साक्षात्कार, अगर जीव ब्रह्म का साक्षात्कार करना है तो माया की पर्दा को हटाना पड़ेगा। और माया के मैल की पर्दा जब ही हटेगी जब नित्य इस शरीर रूपी कपड़ा को सत्संग रूपी साबुन से धो जाओ, अपने आप पर्दा हटेगी। इसके लिए प्रधानता होती है इस माया के मैल को हटाने के लिए। तो अवस्था मत देखो, बुढ़ापे में भगवान भजन करेंगे तो पार हो जाएंगे, अरे जब नाम लोगे तभी भगवान पार कर देंगे, क्योंकि ध्रुव जी महाराज को 4 वर्ष की अवस्था में पार कर दिया। जी हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, 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 नाम तेरा प्रभु नाम तेरा, नाम तेरा प्रभु नाम तेरा, सभी हो गए सभी हो से पार लेकर नाम तेरा, हो गए हम से पार हरि वो नाम तेरा, पुकारा गजने आधा नाम पुकारा, गरुण छोड़ कर उसे उबारा, 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 किया ग्राह संगार लेकर नाम तेरा, किया ग्राह संगार लेकर नाम तेरा, तेरा प्रभु नाम तेरा, नाम तेरा प्रभु नाम तेरा, नाम तेरा प्रभु नाम तेरा, नाम तेरा प्रभु नाम तेरा, सभी होए मैं सभी होए मैं सभी होए मैं हम से पार लेकर नाम तेरा, भगवान ने हाथ दिए हैं वो उठा लीजिए। Yeah.
जिनको स्वयं नाम की महिमा नहीं पाए, जिनको स्वयं तारी नहीं पाए, जिनको तारी नहीं पाए, नाम लिए से मुक्ति 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 पाए, महिमा महिमा तेरी महिमा नाम अपार लेकर नाम तेरा, महिमा अपार लेकर नाम तेरा, सभी होए गए भव से पार लेकर नाम तेरा, हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, ओ नाम तेरा प्रभु नाम तेरा, 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 सभी होए गए सभी होए गए सभी होए गए भव से पार लेकर नाम तेरा, हो गए भव से पार नाम तेरा, श्री राम हे गाता है, मीरा ने गाया, सबरी ने गाया, ध्रुव ने गाया, प्रहलाद ने गाया, अजामिल ने भी बेटे के नाम के सहारे ही गाया, लेकिन नाम तो प्रभु का गाया। राम नाम को जो कोई गावे, राम नाम को जब कोई गावे, अपने तीनों लोक बनावे, 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 है जीवन का सार लेकर नाम तेरा, जीवन का सार लेकर नाम तेरा, सभी होए गए भव से पार लेकर नाम तेरा, हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, ओ नाम तेरा प्रभु नाम तेरा, ओ नाम तेरा प्रभु नाम तेरा, नाम तेरा प्रभु नाम तेरा, नाम तेरा प्रभु नाम तेरा, सभी होए गए सभी होए गए सभी होए गए से पार लेकर नाम तेरा, हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, अभी हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। ऐसे प्रभु के मंगलमय नाम की बड़ी महिमा है। देवूति ने गाया, ध्रुव ने गाया, जड़ भरत ने भी गाया, अजामिल ने तो बेटे के माध्यम से नाम को गाया। नाम की बहुत बड़ी महिमा है। जिनको स्वयं तार नहीं पाए, नाम लिए से मुक्ति पाए। राम मिले ना मिले, राम का नाम तो आपको मिल गया ना। कहो कहां लगे नाम बड़ाई, राम न सके नाम गुड़ गाई। राम ने तो एक अहिल्या को तारा, और राम के नाम ने
करोड़ों को था। तो राम से भी बड़ा राम का नाम की बड़ी महिमा है दुनिया। अजामिल ने भली बेटे के माध्यम से लिया, अजामिल पापी था, लेकिन मृत्यु के वक्त मुख से नारायण का नाम निकला, अजामिल को मोक्ष प्राप्त हो। नाम गाया प्रहलाद ने, परीक्षित देवासुर संग्राम हुआ छठवें स्कंद में, तो परीक्षित ने पूछा था भगवान पक्षपात करते हैं क्या? क्यों? दैत्यों को मारते हैं, देवताओं का साथ देते हैं। सुखदेव जी ने कहा नहीं, भगवान समदर्शी हैं, अंतर इतना है कि दैत्य भगवान से द्रोह करते हैं और देवता भगवान से प्रेम करते हैं, जो प्रेम करता है भगवान उसका साथ देते, पक्षपात नहीं है। समप्रिय श्रुयद ब्रह्मन् भूतानां भगवान् स्वयं इन्द्रस्यार्थे कथं दैत्य अवधीत विषमो यथा। समप्रिय श्रुयद ब्रह्मन्, भगवान समदर्शी है, अंतर है तो सिर्फ इतना है, एक व्यक्ति भगवान को सन्मुख रखे चलता है और एक व्यक्ति भगवान को विमुख कर देता है, भगवान का अनदेखा कर देता है, मैं गलत कर रहा हूं तो मुझे कोई देख नहीं रहा यह सोच लेता है, और एक व्यक्ति कहता है कि भगवान तो सब जगह है, दुनिया से छुप जाओगे लेकिन भगवान से नहीं बच पाओगे। बोलो राधे राधे, राधे राधे। तो ये सोच के चलने वाला व्यक्ति है कि सब जगह भगवान है, हरि व्यापक सर्वत्र, तो सार्वभौम भगवान भगवान, तो भगवान उसके साथ है। और ये कहता भैया मंदिर में भगवान है, पीछे थोड़ी ना है, तो भगवान भी मुंह मोड़ लेते हैं, जब इसे ही पता हम नहीं है तो भ्रम काहे को जाएं। बोलो राधे राधे। तो देवता और दैत्य बुद्धि यही है, देवता हमेशा भगवान को साथ और दैत्य भगवान से विमुख करते हैं, जबकि भगवान तो सब जगह है, कहां नहीं है? बोलो, अभी पूछेंगे प्रहलाद जी, मैं आपको बताऊंगा। तो भगवान समदर्शी हैं, सन्मुख तो आओ प्रभु के मंदिर में, तो आके देखो, गेट पर ही कह रहे हो, घर पर ही कह रहे हो, भगवान तो सुनते ही नहीं है। अरे आके तो देखो, एक उदाहरण दिया करता हूं मैं, आपने याद किया होगा, दीपावली के समय मैया यशोदा जमुना जी में दीपदान करने गई, कन्हैया को साथ लेके, देवियां जाती हैं ना दीपदान करने, माताएं दीपक जलावे और मैया से प्रार्थना करें, अरे जमुना मैया जब तक तुम्हें पानी रहे मेरे लल्ला की जिंदगानी रहे, हे दीपक की ज्योति जैसे तू चमके ऐसे मेरे लाला को भाग्य चमके। यही सब माताएं कामना रखती बच्चों के प्रति। यमुना में दीपक बहा दिया, दूसरा दीपक बहा दिया, कन्हैया ने छलांग लगाई और बहते दीपक को उठा लिया, किनारे पर लगा दिया, दूसरे को उठाया फिर किनारे पर लगा दिया, मैया ने देखा, अरे कन्हैया इधर आ। हाँ मैया जे बता, मैं तो दीपक बहा रही हूं, तू किनारे पे क्यों लगा रहे हो? कन्हैया बोले मैया यो तो मेरो काम है। क्या काम है तेरा? बहते भाई को किनारे पे लगा दे। मैया बोली लाला आज दीपावली के दिन विश्व में कितने दीपक बह रहे होंगे, तू सबको किनारे पर लगाएगो? कन्हैया बोले ना है मैया, तो जो मेरी आंखन के आगे बहेगा उसे मैं किनारे पर। सनमुख होई जीभ बोहि जब ही, सनमुख होई जीभ बोहि जब ही, कोटि अगनासो तब ही, जन्म कोटि अगनासो तब ही, सन्मुख होए जीव मोए जब ही, जन्म कोटि अगनासो तब ही। जब जीव मेरे सन्मुख हो जाएगा उसके जन्म जन्मांतर के पापों का मैं विनाश कर दूंगा। लेकिन सन्मुख तो आप समझ रहे हैं मेरी भावना को, जो भी काम करें भगवान को साथ रखें 24 घंटे, एक पल भी मैं उससे अलग नहीं हूं, कभी मत सोचो कि मैं अकेला हूं। सोच लेते हो वही तो भगवान की सोच लेते हैं, जब ये सोच ही रहा अकेला तो मैं भी इसका साथ देके क्या करूंगा, दे भी दूंगा तो ये आसान तो मानेगा नहीं।
इसलिए आप कभी अकेले, भगवान आपके साथ है। और जब भगवान आपके साथ हैं तो डर किस बात का? अगर भगवान ही हमारे साथ है फिर भय किस बात का है? जो वो चाहेगा वो होगा, भय मुक्त हो जाओ, निर्मुक्त जीवन जियो। हिरण्यकश्यप के चार बेटा थे, हिरलाद, अनुहिरलाद, सुरहलाद और प्रहलाद। तीन तो पिताजी पे चले गए, एक के अंदर न जाने भक्ति कैसे जाग गई। गर्भ के संस्कार थे, जब ये गर्भ में आया था उस समय इसकी जो मां थी ना प्रहलाद की, वो बड़ी धर्मात्मा थी, उसका नाम था कयाधु। देखिए ऐसा नहीं है, अगर मां दुष्ट है, मां पिता दुष्ट है, तो मां अगर धर्मात्मा है तो एक हाथ बच्चे पर तो मां का असर पड़ेगा। तीन पिता पर चले गए नास्तिक, एक बार दिग्विजय का मन में विचार करके हिरण्यकश्यप तप करने गया तो तोता बनकर के बृहस्पति जी ने इसके कान में कह दिया नारायण। अब जिससे हमें घृणा है वो ही सबसे पहले दिख जाए तो हम कहेंगे दिन तो खराब। तो नारायण से ही तो घृणा थी, हिरण्यकश्यप को कान में वो ही नाम आ गया, लौट गए। कयाधु ने पूछा क्यों जल्दी लौटे आए, तपस्या पूरी हो गई? नहीं देवी, क्या बताऊं, एक तोता आया और बोला क्या नारायण। कयाधु बोली क्या बोला? नारायण। कयाधु ने सोचा आज इनके मुख से नाम। कयाधु बोली आपने अपनी आंखों से देखा? हाँ। क्या बोल रहा था? नारायण। है रहन दो, तोता क्या बोलेगा नारायण। अरे देवी उसके एक एक शब्द स्पष्ट थे, नारायण नारायण। कयाधु बोली आप सो रहे थे कि जाग रहे थे? अरे मैं जाग रहा था। जागते में देखा आपने उसको? हाँ हाँ मैंने जागते में देखा, वो नारायण कह रहा था। कयाधु ने घुमा फिरा के एक माला पूरी करा ली, बोलो राधे राधे। और उसी दिन कयाधु गर्भवती हो गई, उसी का प्रभाव प्रहलाद। प्रहलाद ने भक्ति करी, संकट उठाए, पहाड़ों से पटके जल में डुबाए, अग्नि में जलाए, जहर पिलाया, लेकिन जाको राखे मार सके बालन बाका कर सके जो जग बे कुछ नहीं बिगाड़ सकता जब तक भगवान तुम्हारे। आज प्रहलाद को इतना कष्ट दिया गया, जेल में पटका गया, हिरण्यकश्यप ने पूछा ए प्रहलाद तेरा भगवान कहां रहता है? तू जिसके बल पर गरजता है वो कौन है? बोले मेरा भगवान। और पिताजी उसके बल पर मैं ही नहीं गरजता, हाँ आप भी गरजते हो। बल सबको उसी का मिला है, काम सबके अलग अलग है। बल सबको लाइट का मिला है, बल्ब उजाला दे रहा है, माइक आवाज दूर तक पहुंचा रहा है, पंखा ठंडी हवा दे रहा है, हीटर गर्म दे रहा है, और सबको ताकत किसकी मिली है? सबको लाइट की ताकत, करंट की ताकत। ऐसे ही सबको परमात्मा की ताकत है, एक परमात्मा की कथा सुन रहा है, एक कथा कह रहा है, तीसरा कथा से द्रोह कर रहा है, चौथा कथा को गाली दे रहा है, ये शक्ति उनको भी उसी की मिली है। न केवलम में भवतस्य राजन चराचरस्य खिल सत्व धामना, उस परमात्मा की ताकत केवल मुझे ही नहीं पिताजी तुझे तुम में भी है। खबरदार, मैं किसी के ताकत से नहीं बोलता, अपने बल पर गरजता हूं। हे प्रहलाद कहां है तेरा परमात्मा, कहां रहता है? प्रहलाद जी बोले पिताजी आपकी ये दूसरी गलती, ये मत पूछो कहां रहता है, पूछो कहां नहीं रहता है। एक गुरु के कई चेले थे, ध्यान से सुनना आप। एक चेला से गुरुजी बहुत प्यार करते थे, तो अन्य चेलाओं को बड़ी ईर्षा थी, अन्य चेलाओं को ईर्षा होती थी, गुरुजी क्या है आप उसी से बहुत प्रेम करते हैं। अब गुरुजी के लिए तो सब समान है, लेकिन कुछ तो देखा होगा। गुरुजी ने सोचा सबके सामने स्पष्ट तो मुझे करना पड़ेगा। एक दिन गुरुजी ने अपने सभी चेलाओं को, 10 थे चेला, हर चेला को एक एक केला दिया और कहा सुनो
हे चेलाओ, इस केला को ऐसी जगह खाना, प्रसाद को, जहां तुम्हें कोई देख ना पाए। जाओ, चेले चले गए। सभी चेलाओं ने जगह ढूंढ ली, एकांत में प्रसाद पा लिया। अगले दिन सभी चेला सामने बैठे थे, एक वो लाडला जो गुरुजी का चेला था वो भी बैठा था प्रसाद हाथ में लेके। गुरुजी ने पूछा, बच्चों प्रसाद पाया? हाँ। किसी ने देखा तो नहीं? नहीं गुरुजी, अगर हमें किसी ने देखा हो तो हम गला कटाने तैयार हैं। आपकी आज्ञा पाई तो एकांत में, अकेले में, जहां कोई नहीं देख सकता, वहां प्रसाद पाया। जो प्रिय चेला था गुरुजी का, उससे पूछा, बाबरे तुझे कोई जगह नहीं मिली, तूने प्रसाद नहीं पाया? वो आंखों में आंसू भर के बोला, गुरुजी कोई ऐसी जगह है ही नहीं जहां मैं अकेला हूं। क्या मतलब? आप ही तो कथा में कहते थे, हरि व्यापक सर्वत समाना, हरि व्यापक सर्वत समाना, हरि व्यापक सर्वत समाना, हरि व्यापक सर्वत समाना, से प्रगट होए मैं जाना, प्रेम से प्रगट होए मैं जाना। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, परमात्मा कणकण में व्याप्त है, ऐसी कोई जगह ही नहीं है जहां भगवान ना हो। अब बताओ गुरुजी, फिर मैं प्रसाद कैसे पाता? गुरुजी ने उसको उठा के गले लगाया, बाकी के चेलाओं को समझाया, अब तुम्हारे कुछ समझ में आया? तुम सुनते हो, इस कान से निकाल लेते, इसने जब भी कथा सुनी अंदर बिठाई, इसलिए मुझे प्रिय चेला है। उसी पर चल रहा है देखो। तो जैसे गुरु के 10 चेलाओं में से एक चेला था जिसने कोई एकांत की जगह ही नहीं मिली, ऐसे ही चेले हम बन जाओ, ऐसी कोई जगह नहीं जहां भगवान नहीं। यत तत्र सर्वत्र मेरा परमात्मा विद्यमान है। प्रहलाद जी ने भी यही कहा, परमात्मा सब जगह। हिरण्यकश्यप ने कहा है? बोले सब जगह, मुंह में, थो में, खड्ग खंभ में, मुझ में भी है पिताजी, तुम्हारे अंदर भी है। बोले दिखता क्यों नहीं है? बोले आंखों का दोष है तो दिखाई नहीं देता। बोले क्या इस खंभे में भी है? बोले हाँ है। हिरण्यकश्यप ने कहा, कह दे अपने परमात्मा से, हो जाए सावधान। हिरण्यकश्यप ने खंभे में कान लगाया तो खंबे में से घुर घुर की आवाज आ रही थी, मानो भगवान कह रहे, बेटा बेटा तेरे लिए मैं इसमें भी बैठा हूं। या भगवान कहते हैं, भक्त जब तू पत्थर में से प्रकट हो सकता है तो आज मैं भी पत्थर में से प्रकट होके दिखाऊंगा। अहिल्या जी पत्थर में से प्रकट हुए, वो भक्त थे। भगवान बोले हम भी पत्थर में हैं, तो भक्त के पीछे कुछ भी कर सकते। हिरण्यकश्यप को आई गुस्सा, खंबे में एक काला गगड़ गड़गड़ानो, खंभ फाटो, चर चरानो, निकसो नर नाहर को, रूप अति भयानक है, उन नरसिंह भगवान की जय। मानुष जैसा शरीर, शेर जैसा मुंह, गुर्राट की आवाज करके पकड़ लिया हिरण्यकश्यप, ले गए दहलीज पर, लिटा लिया जंघाओं पर, और लंबे लंबे नाखून दिखाए, अब हम तुमको मारेंगे। हिरण्यकश्यप बोले, मुझे मारोगे? हाँ। नहीं मार पाओगे? क्यों? मैंने वरदान मांगे हैं। क्या? दिन में न रात में न मरूं। भगवान बोले, न दिन है न रात, शाम है। अस्त्र से न शस्त्र से? भगवान बोले, नाखून से। हिरण्यकश्यप बोले, 12 महीनों में ही नहीं, बोले 13वां महीना अधिक मास तेरे लिए बनाया है। बोले मैं नर से न पशु से? भगवान बोले, हम कौन है? बोले आप तो नर भी हैं, पशु भी हैं, नर भी नहीं है, पशु भी नहीं, दोनों ही हम मार दे। हिरण्यकश्यप बोले, पहले छोड़। भगवान बोले, हे मूर्ख हिरण्यकश्यप, हमारे गुरुजी ने केवल पकड़ना सिखाया है, छोड़ना।
या तो हम काऊ को पकड़े ना है, और जिसको पकड़ ले छोड़े। हिरण्यकश्यपु ने बहुतेरा प्रयास कियो, जब भगवान ने अपने लंबे नाखुनबा के उदर में प्रवेश करा दिए और हिरण्यकश्यपु का उद्धार करके भगवान नरसिंह सिंहासन पर बैठ गए। बोल नरसिंह भगवान की जय। अब भगवान इस समय रोषावतार में है, क्रोध में है, प्रकृति धरती कांपने लगी, देवता थर्राने लगे, सारा वातावरण भयभीत हो गया। अब क्या करें, भगवान से इस समय क्षमा मांगने कौन जाए, गुस्सा शांत कौन करे, इनको क्रोध आ रहा है। सारे देवता गए, सब डर के भाग आए। भोलेनाथ से कहा आप ही जाओ, आप पे दया जल्दी करेंगे। भोले बाबा गए बैठ के बैल पर भगवान का मुंह काय काय, और भगवान ने खोल दिया अपना मुंह। और जैसे मुंह खोला, बैल ने शंकर को पटका, वो भागा। ब्रह्मा जी से कहा तुम जाओ। ब्रह्मा जी बोले नहीं भाई, मेरा तो खतरा है, क्योंकि मैं गया तभी कहेंगे तुमने ही अपने भक्तों को इतने वरदान चढ़ाए, वरदान दे करके सिर चढ़ा लिया, मैं तो नहीं जा सकता। तो नारद जी ने कहा प्रहलाद तुम ही जाओ, तुम्हारे दुख की वजह से रोष आया, तुम जाके रोष ठंडा करो। प्रहलाद गए, और अगर प्रहलाद भी सकल देखते, प्रभु का दर्शन करते, तो वो भी कांप जाते। लेकिन प्रहलाद ने मुखमंडल की ओर देखा ही नहीं, वो तो सीधे चरणों में जाके लेट गए। भगवान ने प्रहलाद को उठा लिया, गोदी में लिटा लिया, प्रभु की आंखों में आंसू आ गए, हृदय से लगा लिया। बोले प्रहलाद तूने मेरी भक्ति करी, तुझे बहुत संकट का सामना करना पड़ा, अगर मुझे आने में देर लगी हो तो मुझे क्षमा कर देना। सज्जनों सावधान, प्रहलाद दैत्य बालक है, भगवान ने उसको गोदी भी बिठाला, गले भी लगाया, क्षमा भी मांगी, जबकि देवताओं से ऐसा नहीं किया। इसका मतलब भगवान समदर्शी है, कोई देवता है कि दैत्य है इसका कोई मतलब नहीं, वो तो कृपा करते हैं, एक बार तुम उसके हो जाओ तो। बोले प्रभु प्यारे अंग कोमल तुम्हारे, असुरों ने मारे मम नाम एक दाने से, गिर से गिराय तुम्हें जल में डुबा, के जलाने से मंजुल मुखार बिंद चूम चूम कहे गोविंद, क्षमा करो भक्त मुझे देर भई आने में, देर भई प्रहलाद अगर मुझे आने में देर लगी हो तो क्षमा कर। भगवान क्षमा मांग रहे हैं सज्जनों, इतना दयालु परमात्मा हो सकता है, भक्त से क्षमा मांग रहे, मांगो प्रहलाद क्या चाहिए। प्रहलाद बोले आप मुझे क्या दे सकते हैं जो मैं मांग लूं, एक वरदान दे दो प्रभु, मैं किसी से कुछ मांगू ही नहीं, मुझे नहीं चाहिए। भगवान बोले नहीं प्रहलाद, आज तो तुम्हें मुझसे मांगना पड़ेगा, कह दिया ना दे दो वरदान, मैं किसी से कुछ मांगू नहीं। भगवान ने तीसरी बार कहा कुछ मांगो प्रहलाद। प्रहलाद बोले गोविंद अब मांगने के लिए क्या रह गया, पहली बात तो सब कुछ दिया आपने, और दूसरी बात आज की स्थिति परिस्थिति में देखते हैं तो मैं आपकी गोदी में हूं, और जिसको गोदी ले लेते हैं सारा माल उसका, आप मेरे आपका माल मेरा मांग करके मुझे भिखारियों की लिस्ट में क्यों डाल रहे हो। बोलो राधे राधे। भगवान ने फिर कहा नहीं प्रहलाद कुछ मांग। प्रहलाद बोले प्रभु देना चाहते हो तो एक वरदान दे दो। हाँ चल मांगने के लिए तैयार तो हुआ, बोलो क्या चाहिए प्रहलाद। प्रहलाद जी बोले प्रभु मैं आपसे क्षमा मांग रहा हूं, मेरे पूज्य पिताजी ने आपको बहुत गालियां दी, बहुत बुरा भला कहा, मेरी प्रार्थना है मेरे पिताजी के अपराध को क्षमा कर देना,
आखिर मेरे पिता थे वो। जय हो। प्रभु का हृदय भर आया, देखो बालक, जिस बालक को रुलाने में कष्ट देने में पिता ने कोई कसर नहीं छोड़ी, आज वो बालक भी अपने पिता की मंगल कामना करे। यही बनता है बच्चों पर, और कुछ नहीं बनता। हमारे पिता चले गए, हमारे पास क्या है, केवल हम उसकी मंगल कामना कर सकते हैं। प्रभु जहां हो संतुष्ट रहे, खुश रहे, हम पर कृपा बरसाए, कुछ नहीं चाहता। अरे हमारे पितर हमारे मरने के बाद हमसे आशा करते हैं, तुम हमारे लिए क्या कर रहे हो। ये कथा कीर्तन जब हम करते हैं उन्हें संतुष्टि मिलती है। वो हमें क्या क्या नहीं देके गए, घर मकान दुकान नाम शरीर। अगर आपके नाम के आगे से पिता का नाम हट जाए, लोग आपको किस दृष्टि से देखेंगे। तो पिता के नाम ने हमारे समाज में हमारी सम्मान करा के छोड़ा है। तो वो पिता माता जाने के बाद आपका धर्म होता है उनके लिए कुछ करें। आप कथा सुन रहे हैं, कथा करा रहे हैं, ये आप अपने बुजुर्ग दिवंगत लोगों की खुशी दे रहे हैं, उनकी सेवा कर रहे हैं, उनको संतुष्टि मिल रही है, इसी से मिलती है। आप एक भागवत कथा तो है ही ऐसी, अपने साथ अपने पितरों पितर भी बैठते हैं। आप आवाहन करो ना करो, आप कथा भागवत की सुनेंगे तो पितर आएंगे, क्योंकि भागवत में ही उनकी एंट्री है। बोलो राधे राधे, क्योंकि भागवत से ही उनको फल है, अन्यत्र फल उनके पास नहीं जाता, ये जाता है, अपने आप जाता है। तो ऐसे पिता ने अपराध किया और पुत्र परमात्मा से उन्हीं के लिए मंगल कामना। तुम्हारी तुम्हारी याद आती है, बताओ क्या करें मोहन। तुम्हारी याद आती है, बताओ क्या करें मोहन। तुम्हारी याद आती है, बताओ क्या करें। वो रुलाती है सुबह और शाम आती है, रात भर वो रुलाती है। सुबह और शाम आती है, रात भर वो रुलाती है। सुबह और शाम आती है, रात भर वो रुलाती है। चैन हमको नहीं आता, बताओ क्या करें। बताओ क्या करें।
चलो जब वो चलने दे, रुकू जब वो ना रुकने दे, ओ चलो जब वो ना चलने दे, रुकू जब वो ना रुकने दे, चलो जब वो चलने दे, रुकू जब वो ना रुकने दे, चलो जब वो ना चलने दे, रुकू जब वो ना रुकने दे, मिलू बातों को ध्यान में रखिए। अपनी पितृ मुक्ति मांगी, कलयुग में ऐसे पिता नहीं है जो बच्चे को धर्म से रोके। तो हम समाज के जितने भी बच्चे हैं उन सब पिताओं के ऋणी हैं। हमारे पिताओं ने तो धर्म के रास्ता पर चलाया। मेरे पूज्य पिताजी ने तो मुझे 11 वर्ष की अवस्था में श्री धाम वृंदावन में लेके आए। उनके बस का नहीं था यहां लाना पढ़ाना, पर
अब सोचो एक पिता अपने बच्चे को 11 साल की अवस्था में अपने से दूर छोड़ सकता है, विद्यालय में छोड़ के चले गए। आज अपनी स्थिति पर करके अब वो हमें छोड़ के चले गए। आप सब पूर्व परिचित हैं ऐसे पिता के चरणों में प्रणाम करते हैं। मंदिर में ना मिलेंगे, गुरुद्वारे में ना मिलेंगे, घर में ही बैठे तेरे भगवान। कर ले माँ को प्रणाम, कर ले पिता को प्रणाम, कर ले माँ को प्रणाम, कर ले पिता को प्रणाम, कर ले माँ को प्रणाम, कर ले पिता को प्रणाम। मंदिर में ना मिलेंगे, गुरुद्वारे में ना मिलेंगे, मंदिर में ना मिलेंगे, गुरुद्वारे में ना मिलेंगे, घर में ही बैठे तेरे भगवान। कर ले माँ को प्रणाम, कर ले पिता को प्रणाम, कर ले माँ को प्रणाम, कर ले पिता को प्रणाम, कर ले माँ को प्रणाम, कर ले पिता को प्रणाम। यही जीवन का अर्थ है। घर के भगवान को पूजा नहीं फिर मंदिर जाने से क्या फायदा। कभी भी अपने द्वारा अपने माँ बाप का दिल नहीं दुखाना चाहिए। उन्होंने आपको यहां तक लाने में कितना प्रयत्न किया, क्या क्या नहीं किया। अब वो तो वो जाने चाहे कुछ भी करके, लेकिन तुम्हें खड़ा किया, तुम्हें अपने स्थान तक पहुंचाया, तो हमारे लिए तो वो ही भगवान है। क्यों ना हम उन भगवान को प्रणाम करें। जिसने तुझे को जन्म दिया, जिसने तुझे को जन्म दिया, उस माँ को कैसे भूल गया, उस माँ को कैसे भूल गया। ओ पाल पोस कर बड़ा किया, पाल पोस कर बड़ा, उसे पिता कैसे भूल गया, उसे पिता तो कैसे भूल गया। इनके ही चरणों में हो, इनके ही चरणों में तेरा मुकाम। कर ले माँ को प्रणाम, कर ले पिता को प्रणाम, कर ले माँ को प्रणाम, कर ले पिता को माता पिता के चरणों में आपके साथ नाम सादर नमन प्रणाम श्रद्धांजलि भी, क्योंकि आपको बताऊं 17 तारीख से कथा थी और 16 तारीख को मेरे पूज्य पिताजी की वर्षी थी। एक दिन पहले उन्होंने अपने कार्यक्रम को पूर्ण करा लिया, तो उनकी उपस्थिति प्रारंभ के पहले दिन से ही हुई है, प्रत्यक्ष रूप में है। तो प्रहलाद ने अपने पितृ मोक्ष की कामना करी, मेरे पिताजी को मुक्ति दे दो, भले ही उन्होंने कुछ किया हो, ऐसे महान पुत्रों को भी हम प्रणाम करते हैं। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। भगवान समदर्शी हैं, ये तो दैत्य बालक प्रहलाद था,
भगवान इतने समदर्शी हैं कि जानवर पर भी कृपा कर देते हैं। हाथी सरोवर में नहाने गया, मगर ने पंप पकड़ लिया। हाथी डूबने लगा, प्रभु को पुकारा तो गरुण छोड़ करके हाथी का उद्धार कर दिया, मगर का भी कल्याण कर दिया। तो पक्षपात कर दे नहीं, समदर्शी हैं। मानव दानव जानवर कोई भी योनि में सही, हरि का भजे सो हरि का होई। जो प्रभु का भजन करता है वो प्रभु उसको अपना बना लेते हैं। ऐसे हाथी के ऊपर भी कृपा करी महाराज। देवासुर संग्राम हुआ, समुद्र मंथन भी हुआ, 14 मणि निकली, उसमें एक धन्वंतरी भगवान अमृत का कलश लेके निकले तो दैत्य उसे लेकर के भाग गए। 4 स्थानों पर वो अमृत का कलश रखा गया, वहां कुंभ के मेला लगने लगे, हरिद्वार, इलाहाबाद, नासिक और उज्जैन में। अब लोगों के मन में एक शंका आती, श्री धाम वृंदावन में कुंभ कहां से आया? कुंभ सन्यासियों के शुरू होता है शाही स्नान, वृंदावन का कुंभ वैष्णवों का कुंभ है। इसमें उस घड़े की चर्चा नहीं है जिस घड़े के कुंभ 4 लगते हैं, बोलो राधे राधे। यहां वो दैत्यों के झगड़े में 4 जगह रखे गए थे कुंभ कलश, तो वहां कुंभ का मेला लगने लगा। यहां तो महात्मा बैकुंठ से अपनी मां को संतुष्ट बंधन से मुक्ति दिलाने के लिए कलश बैकुंठ से देवताओं से लेके आए थे अमृत, और उस बीच में उन्होंने यहां पर एक वृक्ष के ऊपर कलश रख के बैठक की थी, अपनी बैठ गए थे, इसलिए यहां पर महाप्रभु जी की बैठक है। तो ये बैठक को ही कुंभ कहते हैं, बोलो राधे राधे। यहां महाप्रभु जी स्वयं बैठे अमृत का कलश लेकर के, जिस वृक्ष पर बैठे। जब महाराज भागवत में अब कथा आएगी, मैं आपको बताऊंगा ना, केसी दानव आएगा, अघासुर आता है, अजगर जहर बमन करता है, सारे वृक्षों को सुखा देता है अपने जहर से, लेकिन जिस वृक्ष पे अमृत का कलश रखा था वो वृक्ष नहीं सूखा, सब सूख गए। उसी से वृक्ष से महाराज बैठक सिद्ध हुई महाप्रभु जी की, और वहां कुंभ के मेला लगने लगे। अब इस बार बड़ा सुंदर माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में उद्घाटन में कुंभ तो हर 12 साल में यहां लगता है, इसको बैठक कहते हैं। यहां की बैठक के बाद संत हरिद्वार जाते हैं, यहां बैठक करते हैं, वहां शाही स्नान करते हैं। इस बार यहां कुंभ भी शाही हो गया, ठीक है, जिसकी जहां आनंद आ रहा है वो ले रहा है। इलाहाबाद में माघ मेला भी चकाचक था, अब यहां वृंदावन का कुंभ चकाचक चल रहा है, फिर हरिद्वार का चल रहा है, ठीक है, सबके लिए स्थान दे दिए। आप अपने में खोए रहो, धर्मात्माओं से कह दिया तुम धर्म में खोए रहो, फिर ही नहीं होने देंगे तुम्हें कुंभों से, कथाओं से, मंदिरों से। इतने तैयार हो जाएंगे कि आप उन्हीं का आनंद लेते लेते जीवन जीते चले जाओगे, आपकी जिंदगी उसी में गुजर जाएगी। तो ये भी एक आनंद का विषय है। 4 जगह कुंभ का रखा, लेकिन भगवान ने मोहिनी अवतार लिया, दैत्यों को अंगूठा दिखाया और देवताओं को अमृत पिलाया। देवन सुधा कुमाए के दैत्यन सिंह दिखायो, तो दैत्य फिर रोग पछता गए बेचारे, कलश हाथ में पा गए, फिर भी एक बूंद हिस्से में नहीं पड़ी, भगवान ने छल कपट कर लिया। अब दैत्यराज बलि ने शुक्राचार्य जी से कहा, गुरुदेव क्या करें? शुक्राचार्य जी ने कहा, मैं मंत्रों से अवचिंचित करके एक रथ का निर्माण करता हूं, स्वर्ग पर चढ़ाई कर दो। महाराज गुरु कृपा भी गोविंद की कृपा से कम नहीं है, देवताओं पर गोविंद कृपा है और बलि दैत्यों पर गुरु कृपा है। गुरु कृपा इतनी बलवान हुई कि महाराज बलि के आगे स्वर्ग छोड़ के देवताओं को भागना पड़ा, सामने नहीं टिक पाए। बलि हो गया स्वर्ग का राजा, देवता फिर दर दर की ठोकर खाने लगे, अब क्या करें? अपनी मां अदिति के पास गए, मां रोज रोज का झगड़ा अच्छा नहीं होता, पिताजी से कह दो राज्य के 2 हिस्से करा दो, क्योंकि दैत्य और देवता दोनों के पिता तो एक ही है, मां ही तो अलग है। कश्यप इनके दोनों के पिता हैं, माता दिति और अदिति हैं, और दिति अदिति भी बहनी है। महाराज अदिति मैया ने कश्यप महात्मा से कहा, ऐसा कोई व्रत बताओ जिसके प्रभाव से बेटा जन्म ले और मेरे बच्चों के राज्य को वापस दिला दे। कश्यप महात्मा ने एक व्रत बताया जिसका नाम था पयो व्रत। फाल्गुन के महीना में शुक्ल पक्ष में पड़वा से एकम से लेकर के द्वादशी तक जो स्त्रियां दूध पीकर के 12 दिन बिताती हैं,
उनके घर भगवान जैसे बेटे का जन्म होता है। फाल्गुन श्यामले पक्षे द्वादशाहम पयो व्रता। फाल्गुन के शुक्ल पक्ष में मां अदिति ने वो व्रत किया, व्रत के प्रभाव से भगवान गर्भ में आए और भादों के महीना के शुक्ल पक्ष की द्वादशी के दिन भगवान वामन का प्रादुर्भाव हुआ। बोलिए वामन भगवान की जय। ठीक द्वादशी के दिन भगवान वामन का प्रादुर्भाव हुआ। वामन भगवान कुल मिलाकर के वामन अंगुल के थे। धरती मैया ने खड़ाऊ पहना दी, आकाश के देवता ने छाता पकड़ा दिया, ब्रह्मा जी ने कमंडल थमा दिया, बृहस्पति जी ने कमर में मेखला बांध के कान में मंत्र फूंक दिया, जनेऊ हो गया। और जब बालक का जनेऊ संस्कार होता है तो ब्रह्मचारी बन के भिक्षा मांगनी पड़ती है। वामन जी भिक्षा मांगने गए तो लक्ष्मी और सरस्वती मैया ने भिक्षा दे दी और वो दिन भिक्षा में जो मिलता है वो गुरु जी को दिया जाता है, सो बृहस्पति जी को भेंट कर दी। बृहस्पति जी बोले जो चेला अच्छा है तो दक्षिणा भी कैसी चाहिए, अच्छी चाहिए। भगवान वामन जी बोले क्या है पर गुरुदेव, अरे चेला बढ़िया है तो दक्षिणा बढ़िया, आज्ञा करिए दक्षिणा में क्या चाहिए। बोले तीन लोक का राज्य। वो कहां मिलेगा, राजा बलि यज्ञ कर रहा उसके पास है, दाता है। बलि दैत्य था, यज्ञ कर रहा था, कर तो रहा था देवताओं को परास्त करने के लिए, कर रहा था नाटक के तौर पर, लेकिन नाटक करते करते इसके दिल में भी ब्राह्मणों के प्रति सम्मान आ गया। देखिए आप, ये तो बामन गेट पे आए पंडित जी के भेष में धक्का देके भगा देता। तो आप देखिए, कई लोग कहते वो कथा थोड़ी सुनता है, वो तो नाटक करता है। मैं कहता हूं चल नाटक ही सही, आज नाटक कर रहा है, धीरे धीरे नाटक का रंग भी तो चढ़ सकता है। नाटक करते करते कभी उसका स्वभाव भी तो वैसा हो सकता है, इसमें क्या है। बलि का हो गया। बामन जी से कहा मांग लो क्या चाहिए, बामन जी बोले संतोषी ब्राह्मण है, ज्यादा नहीं चाहिए, गुजर करें तो चाहिए क्या और मौज करें तो है भी। पदानि तृण दैत्येन्द्र, तीन पैर भूमि चाहिए। जब नापने लगे वामन भगवान, एक ऊपर के सात लोक नाप लिए, एक चरण नीचे सात नीचे के, चारों हाथ प्रकट कर दिए, चारों दिशाएं नाप ली। कहा बलि तीसरा चरण कहां रखूं। बलि हार गए, परमात्मा के आगे अपने आप को छोटा मानना पड़ा। बलि होशियार थे, देने में पीछे नहीं हटे। दाता हो ध्यान से सुनो, आप सब दाता है। बलि ने कहा प्रभु वस्तु बड़ी के वस्तु का मालिक। बोले मालिक तो अभी आपने दो पैर में मेरी संपत्ति नापी है, मालिक तो बैठा है, मैं देने में पीछे नहीं हटूंगा चाहे प्राण क्यों ने निकल जाए। पदम तृतीयम कुरुशीष्ण में निजम, अपना तीसरा चरण मेरे सिर पर रख दो और मुझे भी अपना बना लो, मेरा घर भी तेरा, मेरा तन भी तेरा और प्यारे मैं भी तेरा, सब कुछ तेरा। दान किए धन ना घटे जो सहाय। आज बामन भगवान स्वयं भिक्षा करने आए, भिखारी भीख नहीं मांगता, लोगों को जगाता है। मेरे पास था, मैंने नहीं दिया तो मैं मांग रहा हूं, आज तुम्हारे पास है, नहीं दोगे तो तुम भी। ऐसे बामन भगवान का दिव्य दर्शन किया। आप लोग भी बामन जी के दर्शन करेंगे तो थोड़ा सा मैं आपको कल के बारे में बता दूं। बामन जी के दर्शन होंगे और आप लोग बलि बन करके बामन जी को दान भी करेंगे, क्योंकि आप लोगों के दान से ही सारी व्यवस्थाएं चलती हैं। तो कल रामचरित्र होगा और कल इसी समय बड़ी धूमधाम से नंद घर आनंद भय जय कन्हैया लाल की, हाथी दीने घोड़ा दीने और दीनी लाल की। तो आप सब जानते हैं, सब प्रेमी जन है, कल की कथा में सब लोग आप पीले पीले वस्त्र पहन के आइएगा, मुझे पक्का पता है सब लोग लेके आए होंगे। तो सब कल पीले पीले वस्त्र पहन के आएंगे, बड़ी धूमधाम से नंदोत्सव मनाएंगे, आनंद के साथ उस उत्सव में सम्मिलित हों। और अपने सभी रिश्तेदार नातेदारों को बता दें, आप लोग श्रीधाम वृंदावन नहीं आ सकते, अपने घर बैठ करके भी इस कथा का पूर्ण आनंद ले सकते हैं। शुभारती टीवी के माध्यम से हर जगह ये कथा पहुंच रही है, तो आपका तन वहां होगा, कथा आपके कान में होगी, तो गारंटी मेरा मन आपका वृंदावन पीतांबरा धाम में होगा। और मन जहां होगा फल वहीं का मिलेगा,
मानस पुण्य हो ही नहीं पापा। अगर आपका मन वृंदावन में पीताम्बरा धाम में होगा, आप कथा घर में सुनेंगे, तो आपको भी वही फल मिलेगा जो वृंदावन में सुनने से मिलना है। तो सबसे लाभ कह दो भैया घर बैठ के सुनो, आगे से आगे तार को बढ़ाओ, ज्यादा से ज्यादा लोग शुभारती टीवी को अवश्य देखें, क्योंकि ये चैनल धार्मिक कार्यक्रमों में बड़ी रुचि लेता है, बड़े ध्यान से चलाता है। अगर कोई किसी भी प्रकार से व्यवस्था बनाता चाहता हो तो शुभारती टीवी के माध्यम से वो किसी न किसी तरीका से जन जन तक धर्म की ध्वजा फहरा सकता है, हर व्यक्ति इसका आनंद ले सकता है। तो उसका फल होगा, आप सब लोगों को बता दीजिएगा कि कथा 2 बजे से 6 बजे तक चलती है, तो उसमें कथा सुने। अब आइए बामन जी का अवतार होगा, बलि जी पूजन करेंगे और फिर उसके बाद आरती होगी। बोलिए वामन भगवान की जय। और दूसरा निवेदन मैं कर देता हूँ, वामन जी जब बलि के गेट तक चल के चले गए तो यहाँ भी वामन जी से प्रार्थना करूंगा आप तक तो वो भी पहुंच जाए। वामन जी खुद ही आ जाएंगे कमंडल लेकर के, आप तो बैठे बैठे भर देना, पंडित जी पीछे से आ जाएंगे वो खाली करते जाएंगे। बोलिए वामन भगवान की जय। जय हो मेरे प्रभु। तेरा होगा बड़ा एहसान, तेरा होगा बड़ा एहसान कि जुग जुग तेरी रहेगी शान। भगत भर दे ये रखी ओके छोली, भगत भर तेरे द्वार खड़ा भगवान। सबसे पहले इस कार्यक्रम की मुख्य यजमान पूनम बहन जी आकर के बामन जी का पूजन करें, फिर बामन जी स्वयं चल गए। होगा बड़ा एहसान हो, तेरा होगा बड़ा एहसान हो, जुग जुग तेरी रहेगी सान। भगत भर दे रे जोड़ी, भगत भर दे बाबा जी जोड़ी। खड़ा नीचे उतार दो और खड़े हो जाओ। जय हो, दर्शन करें। उठी है सारी धरती डोला गगन है सारा हो, डोल उठी है सारी धरती डोला गगन है सारा। भीख मांगने आया तेरे घर जगत कपाल हारा, जगत का हरा। मैं आज तेरा मेहमान हो, मैं आज तेरा मेहमान हो, कर ले मुझसे जरा मेहमान। भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे। तिलक हटा दीजिए, केवल कमंडल में भरते जाइए। तेरे द्वार का खड़ा भगवान।
लुटाए सर्वस अपना मांगल कहना मेरा आज लुटाए सर्वस अपना मांगल कहना मेरा मिट जाएगा पल में तेरा जन्म जन्म का मेरा मिट जाएगा पल में तेरा जन्म जन्म का मेरा तू छोड़ सकल अभिमान छोड़ सकल अभिमान अमर तू कर ले रे अपना दान भगत भर दे रे जोड़ी भगत भर दे रे जोड़ी तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे रे जोड़ी भगत भर दे रे याद रखिएगा बामन जी का आपने पूजन किया है कल मेरे लाला का अवतार होगा उसकी पूरी तैयारी में पधारिएगा पीले पीले वस्त्र पहन करके चकाचक आनंद लेंगे आइए एक सुंदर से भजन का आनंद लें तत्पश्चात आरती होगी हरि बोल बोलो बामन भगवान की जय आइए बड़े भाव के साथ में छोटा सा सुंदर सा भजन ओ मेरे श्याम सालों ने सरकार बना दो बिगड़ी मेरी ओ मेरे श्याम सालों ने सरकार बना दो बिगड़ी मेरी ओ मेरे श्याम सालों ने सरकार बना दो बिगड़ी मेरी ओ मेरे श्याम सालों ने सरकार बना दो बिगड़ी मेरी बिगड़ी मेरी दाता 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 बिगड़ी मेरी ओ मेरे श्याम सालों ने सरकार बना दो बिगड़ी मेरी ओ मेरे श्याम सालों ने सरकार बना दो बिगड़ी मेरी हरि गो बिगड़ी मेरी बिगड़ी मेरी दाता बिगड़ी मेरी ओ बिगड़ी मेरी दाता बच्चों को अंदर ना आने दो बिगड़ी मेरी दाता बिगड़ी मेरी देखिए अभी आनंद नहीं आया एक बार दोनों हाथ उठाकर के तालियों के साथ में श्री राधे
ओ मेरे श्याम सालों ने सरकार बना दो बिगड़ी मेरी, ओ मेरे श्याम सालों ने सरकार बना दो बिगड़ी मेरी, राधे श्याम सालों ने सरकार बना दो बिगड़ी मेरे, श्याम सालों ने सरकार बना दो बिगड़ी मेरी। आरती तैयार करें, जी थोड़ा सा पीछे हो जाए। श्री राधे राधे। प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा हर रोग दफा। सब कुछ आजमाया और तब मैंने माना कि सिर्फ सच्ची सहेली ही है महिलाओं के उन मुश्किल दिनों की हर समस्या।